गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? पर्दा नसी बाहर आओ जरा तुम। गुड मॉर्निंग ललित। ये पर्दे से ऐसे झांक रहे जैसे लगता है कि हैं। तो अब तो मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा अब ट्रैक से हट गया होगा, अब हम प्राचीन वाले रिदम में आ गए होंगे थोड़ा सा, है ना? कुछ कुछ यस, कुछ कुछ रिदम में तो आ गए, है ना? कल जैसे कभी भी ना जब हम प्लान करते हैं एग्जाम को लेकर के, तो हमेशा हम बात करते हैं ना कि क्वेश्चंस जैसे अलग अलग सिलेबस के खंड हैं, किससे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो जैसे हिस्ट्री वाला जो एस्पेक्ट है बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो सब ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है इसका ये ट्रेंड रहा है, और बट हमें मान के चलना है कि ट्रेंड कुछ भी हो सकता है ना। एक बात आपके दिमाग में बार बार बैठा रहा हूँ, आप देखिएगा जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सजेशन बहुत परफेक्ट था, कि बेसिक सिलेबस पूरा ही सभी विषयों पे बेसिक पकड़ होनी चाहिए, पसंद ना पसंद का तो सवाल ही नहीं है भाई। मामा जी एग्जाम तो ले नहीं रहे हैं कि आ जाओ भांजे, है ना, तेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो एक तो है ही कंपटीशन, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, और मजा भी इसी बात का है, चैलेंज का ही तो मजा है। नहीं, चैलेंज को जब क्रिएट करते हैं तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो पर्सनालिटी में निखार आता है, ठीक है, उसका तो अलग ही मजा है। तो वही कल हमने चर्चा भी करी थी आपसे कि आप ये ध्यान रखिएगा सिलेबस को एक बार आप। दूसरा, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जो पहले गलतियां होती रही हैं, वो ऐसा नहीं कि ठीक है सब लोग ही करते होंगे, बट ठीक ठीक लोग करते थे, अब लोग संभल भी गए बहुत सारे लोग। आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस का दायरा ज्यादा है मेंस की तुलना में, ठीक है। उसमें भारत का इतिहास पढ़ना है, मेंस में सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। तो हर टॉपिक जो होता है, एक से लेकर दस तक जितने भी टॉपिक हमने बताए, हर टॉपिक एक सांस्कृतिक पहलू है, बाकी दूसरे पहलू भी हैं। पहला तीन टॉपिक तो नाम ही उसका संस्कृति है, सभ्यता है, पाषाण युगीन संस्कृति ही कहते हैं उसे, ठीक है। तो यानी पढ़ना है हमें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो कल मैंने बताई थी आपको, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में जो 10 टॉपिक है वही क्रम भी है पढ़ने का, कोई किताब उठा के देखो आप वैसे ही मिल जाएंगे आपको। उसमें 10 में से 2 टॉपिक का बहुत वैल्यू है नहीं, मतलब टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 9 जो मैं कराऊंगा आपको, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें, 15 मिनट आधे घंटे, आधे आधे घंटे में खत्म हो जाएगा वो। पहले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बताया कि आर्कियोलॉजी में निरंतर अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई जानकारी आती रहती है, ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, नए नए शोध होते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत करंट से हम अपडेट भी रहते हैं उसको लेकर के हम, ठीक है, फोकस ठीक से करना है ना। तो और उसी में कल हम लोग बात कर रहे थे पाषाण काल की, है ना। तो डेट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है ना। जैसे कल क्या नाम है आपका, शिवम ने कल ऐसे ही बातचीत हो रही थी क्लास के बाद, उन्होंने कहा सर आग को लेकर ना नए दृष्टिकोण भी आ रहे हैं, फिर हमने भी जाके देखा एक बार के लिए, हाँ नए दृष्टिकोण उभर कर आ रहे हैं उसमें, आग के एविडेंस को लेकर के और आग के कंट्रोल यूज को लेकर के एविडेंसेज अब मतलब मिलने लगे हैं पूरा पाषाण काल में भी। अब प्राकृतिक कारणों से जल गया होगा, कंट्रोल्ड यूज की बात मध्य पाषाण काल में अब तक की जाती रही है, है ना। बट एक रीसेंट एविडेंस फिर बेलन घाटी में मिला है 2020 में, जिसमें ये बता रहा है, मतलब अभी उसको किताबों में स्वीकार नहीं किया गया है, बट उसको ये बताया जा रहा है कि नहीं पूरा पाषाण काल में ही मानव जो है उसको कंट्रोल तरीके से यूज करने लगा था, मतलब बहुत द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब की रिपोर्टिंग थी उसके ऊपर, मतलब जब वो न्यूज आया था। तो करंट वाली चीजें हैं वो, करंट से फिर हम, ठीक है। तो नए नए कुछ अनुसंधान भी होते रहते हैं, और सिक्स वाली एनसीईआरटी में भी कुरनूल की एक गुफा है, ठीक है, वहां राख के ढेर की बात की जा रही है पाषाण, पूरा पाषाण काल में। तो मैं थोड़ा इसको मतलब दो तरह से मैं करेक्ट करा दूंगा इसको, कि कैसे कैसे इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और पूरा पाषाण पे हम बात कर चुके हैं, मध्य पाषाण पे बात कर चुके हैं, ठीक है। पूरा पाषाण में भौगोलिक वितरण, जैसे क्या होता है किसी टॉपिक के भीतर हमें क्या पढ़ना है, एक बार सेंस बन गया ना आपका, कुछ भी पढ़ रहे हो अच्छा ये इन जगहों से साक्ष्य मिल रहे हैं, वो एक भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। उपकरण ही मेन जरिया है जानने का, तो उपकरण के बारे में
कुछ बड़े बदलाव ही पूछे जाएंगे, बहुत टिपिकल नाम नहीं पूछे जाएंगे, ब्रेड क्या होता था, ब्यूरिन, ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा, कभी लिखने में जरूरत पड़ सकती है ना कल्चर में हमें। जैसे पूछा जाए हमसे कि भाई पाषाणयुगीन संस्कृति के बारे में बताओ, ठीक है, उनके परिवर्तनों के बारे में बताओ, तो उपकरण तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जहां हम बता सकते हैं, तो मेंस के हिसाब से भी उसको मतलब ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं कि, इवन कहीं पे भी नहीं पूछेगा ऐसे कि कैसे बनता था, अलग अलग टेक्निक होते थे बनाने के, ठीक है, जैसे कोई उपकरण बनाया जा रहा है तो फ्लूट किया जा रहा है, फ्लूटिंग है, कहीं लवा लवाई तकनीक है, ऐसे करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी उसके यूज होते थे बनाने में, है ना। अब वितरण की भी बात हो गई थी, उपकरण की भी बात हो गई थी, खास बात क्या थी नौपाषाण काल में उपकरण में, आप उसे घिस करके दोबारा आप धार पैदा कर सकते थे उस पर। अब जो एविडेंसेस मिले उसमें खेती की बात हमने खूब करी, जितने भी एविडेंसेस थे, तो जीवन में खेती और पशुपालन, ठीक है, ये दो नियमित विशेषता के रूप में इस काल में उभर कर सामने आएगी। जहां खेती पशुपालन होगा वहां अस्थाई आवास, तो शिकारी और खाद संग्राहक, ठीक है, जो समाज था वो अब कृषि और पशुपालक समाज की ओर बढ़ने लगा। ऐसा नहीं कि लोग शिकार करके आज नहीं खाते होंगे, आज भी बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उधर की तरफ संक्रमण हो गया। तो नौपाषाण काल में जो संक्रमण हुआ उसे एक रिवोल्यूशन और क्रांति के रूप में हम देखते हैं, जो संक्रमण हुआ नौपाषाण काल में। तो उन्हीं से परिवर्तनों को, जैसे आपको याद होगा मेहरगढ़, सिक्स वाली एनसीईआरटी कितने लोगों ने रीडिंग करी है, वेरी गुड, पूरे क्लास में, मजा भी आया होगा, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो, बहुत उसमें मेहरगढ़ के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया, आपने देखा होगा, आयताकार मकान होते थे, ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें वहां मेहरगढ़ के बारे में बताई, ब्रेड का बास्केट कहते हैं उसे, है ना, वो तो जीके वाली बात हो गई, किसको ब्रेड का बास्केट कहते थे, हाँ बट इट्स अ गुड थिंग, बकरी वगैरह मतलब पशुओं के अवशेष की हड्डियों की बात की जा रही, कोई नहीं, एक रीडिंग कर लिया आपने ना, चूंकि शुरू मतलब वो जितना भी उसमें दे रहा है वो ठीक तरीके से दे रहा है वो एक बार, तो वो आइडिया रहने चाहिए हमें, क्योंकि आर्य शर्मा ने जो लिखा है वो गहन शोध है, ठीक है, और उसको समझने के लिए भी थोड़ा एक बैकग्राउंड चाहिए था, बट अब कोई इशू नहीं आएंगे आपको, हमने कहा बस काल में मत उलझिएगा, ये इक्का दुक्का नए नए शोध है तो वो तो चलो ऐड हो जाएंगे करंट वाले से भी, काल में मत फंसिएगा कि किसको कितनी अवधि मानी जाए, अवधि ठीक है, कहीं 1000 BC में मिल रही है, कहीं 800 BC में मिलती है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं नौपाषाण युगीन जीवन यापन, नौपाषाण युगीन जीवन यापन, पहला पॉइंट लिखें इसमें आप, देखिए यह काल कृषि एवं पशुपालन को लेकर, कृषि एवं पशुपालन को लेकर विशेष रूप से चर्चित रहा है। ठीक है, यह काल कृषि एवं पशुपालन को लेकर विशेष रूप से चर्चित रहा है। देखिए इन परिवर्तनों के कारण नौपाषाण काल को नौपाषाण क्रांति भी कहते हैं। नौपाषाण क्रांति भी कहते हैं। आगे लिखें, अब तक मानव, अगला पॉइंट लिखेंगे, अब तक मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था, शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था अर्थात उपभोक्ता था,
भोगता था, अब कृषि एवं पशुपालन के साथ उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न हुआ, अर्थात उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों से अलग अलग कालखंडों से कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। आप ही के बारे में पढ़ रहे हैं, कालखंडों से कृषि के बारे में विकास होते तो यहां तक आए हैं हम लोग, ठीक है, पुरानी बातें पढ़ रहे हैं। देखो, व्यक्तिगत बैंक के तौर पे कभी मत लेना, ह्यूमन का हमेशा या इंसान का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, कोई भी हो किसी तरह का हो, ठीक है, बट कभी हास्य का पुट आ जाए तो ले लेना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट दिल से ऐसा मत मान लेना कि नहीं ऐसा है, मतलब ठीक है, हम सब एक ही हैं, ऐसा बस उसको ऐसे हल्के ही नोट में लेना, मतलब हर इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करना चाहिए ही, मतलब ह्यूमैनिटी और चाहे कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है। आज कुछ गर्मी हो रही है क्या क्लास में, है ना सौरभ भाई? हम लोग एक तो एग्जॉस्ट का तो कुछ एक तो चल ही रहा होगा, है ना, रिस्क लिया जाए क्या? नहीं ले सकते हैं एक आधा एसी, मतलब उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, चलाना बंद करना पड़ेगा, है ना, ताकि एग्जॉस्ट का काम करता रहे वो, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ यदि मेरे पास रहेगा कोई कंट्रोल, है ना, इधर वाले को ही, ठीक है ना, आप लोग डरिएगा नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी थोड़ा पीछे बैठ जाइएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो अलग अलग हिस्सों में कालखंडों से हमें जानकारी मिलती है। एक बार ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह सकते ना कि यहां खेती की शुरुआत हुई तो वहीं से सभी जगह ज्ञान गया, भारत के अलग अलग हिस्सों में वहां के लोगों ने ऑब्जर्व करके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की, ठीक है, अलग अलग कालखंड में, जैसे चावल की खेती 5000 बीसी के आसपास में मिलते हैं बेला नदी घाटी में, 6000-7000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ में हमें मिलते हैं, 2000 बीसी के आसपास सेनुआर में हमें मिलता है, 2500-2000 बीसी के आसपास हमें ब्रह्मगिरी में रागी के प्रमाण मिलते हैं। हजार साल का तो अंतर ऐसे होता है जैसे लगता है एक दो दिन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पाषाण काल है, समझ में आ रही बात ना, ऐसे डिफरेंसेस हैं। तो वहां जो लोग रहते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा धीरे धीरे उसको, फिर कभी किसी ने खाया होगा, देखा होगा, पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया होगा, वहां खेती की प्रक्रिया शुरू हुई। कृषि और पशु आसपास के इलाकों में ज्ञान का प्रसार हो सकता है, थोड़ा संपर्क हो जाए, किसी ने सीख लिया, बट उस दौर में यह कहना कि मेहरगढ़ से इलाहाबाद तक ज्ञान आ गया होगा, ये इसके ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो सब स्थानीय केंद्र रहे दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, ठीक है, दुनिया में कहीं भी इस तरह का विकास हुआ सब स्थानीय, ऐसा नहीं कि एक जगह विकास हुआ फिर कहीं ज्ञान का प्रसार हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल जो लिखवाए पॉइंट अलग अलग मिलते हैं, जैसे करके एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल अपने हिसाब से दीजिएगा जो आपको लगे कहां कहां से मिलते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखिए, कृषि के साथ ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है पॉलिसी
पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग लेकिन इन परिवर्तनों ने इन परिवर्तनों ने मानव जीवन में अस्थायित्व को बढ़ावा दिया, अस्थायित्व को बढ़ावा दिया। इसी दौर में अस्थाई आवास के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। जैसे मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों के मकान, बुर्ज होम में गर्त आवास, आवास पिट ड्वेलिंग्स, ठीक है, गर्त आवास पिट ड्वेलिंग है ना, इत्यादि कर सकते हैं इसको हम, तो जैसे था ना सेडेंटरी लाइफ की तरफ बढ़ने लगे हम इन परिवर्तनों के साथ। उसमें उपकरणों की भी बड़ी भूमिका थी क्योंकि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस काल में नदी घाटी से दूर बस्तियों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर, लेकिन नदी घाटी से भी दूर थोड़े बस्तियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। साथ ही कुछ एक स्थल मैदानी इलाकों में भी मिलते हैं, देखे जा सकते हैं। या जैसे चिरान की बात कल मैंने की थी आपसे, तो बड़ा बदलाव तो यही हुआ ना कि अब शिकार पे नहीं है, मतलब शिकार नहीं मिला तो फिर सर्वाइवल मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आप एक विकल्प की तरफ चल रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं। आपने देखा होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस की भी बात है कि पशुओं के पालने के कितने फायदे हैं। धीरे धीरे इसने भी ऑब्जर्व किया भाई कौन सी पशु की ब्रीडिंग ज्यादा होती है जो नुकसान नहीं देगा, तो भाई ऑब्वियस है वो पशु जो नॉर्मली, मतलब देखा गया कि जो घास वगैरह खाते हैं, है ना, हाथी को छोड़ देना, मतलब ठीक है वो अपवाद है ना कुछ, और जिनके सिंह वगैरह नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, ठीक है, तो ये सब एक आकलन किया जाता है कि हाँ बकरी उसमें सबसे यूजफुल है, मतलब गाय सबसे यूजफुल है, बकरी और गाय। शुरुआती दौर में ही मानव ने इस बात को समझा होगा, ठीक है, ये इनका आज भी देखो, जैसे हम लोग कल कह रहे थे ना कि उस दौर में भी धीरे धीरे प्रमाण मिलेंगे बकरी और गाय वगैरह मानव जीवन में कितना उपयोगी है, वही उपयोगिता आज तक आपको दिखती चली जाएगी। बात भारत की नहीं है केवल ये। और जब किसी के जीवन में ज्यादा महत्व होता है ना, तो सम्मान स्वरूप उसे, मतलब ठीक है, जैसे गाय का जीवन में लोगों को इस समझ आया होगा कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ वो आ जाती है बात। ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म ग्रंथ पे इंसान ही लिखता है धर्म ग्रंथ को भी, ठीक है, या मान भी लीजिए कि ईश्वरीय ही है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का एक समाज में महत्व होता है, तभी उसे महत्व दिया जाता है मानव विकास की प्रक्रिया में, ठीक है। आगे लिखें, आप लिखें, खाद्यान्न के संग्रह, भोजन को पकाने इत्यादि के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई,
बर्तनों की आवश्यकता हुई, देखिए नियमित रूप से बर्तन के साक्ष विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में हाथ से निर्मित बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, और फिर चाक से भी निर्मित, चाक कुम्हार का चाक जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, इसी दौर में पहियों के ज्ञान की भी जानकारी मिलती है, व्हील। ज्ञान की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैसे चाक भी है तो इसी दौर में पहियों के भी साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। अब पहिया भी बहुत उपयोगी है, व्यक्ति को कहीं आना जाना हो, सामान को कहीं ले आना ले जाना हो, है ना। इंसान की तो एक सीमा क्षमता है, पशुओं का तो उपयोग करते होंगे आप, बट कुछ ऐसा आप कोई वाहन बना लें या ऐसा कोई सिस्टम बना लें, सपोर्ट सिस्टम, जिसे पशुओं के सहारे आप खींच पाए। इंसान ने परिस्थितियों को देख देख करके चीजों को निर्मित किया, भाई पशु ढो ही रहे होंगे सामान, यदि पशु खींचने लगे उसमें और ज्यादा वजनदार चीजों को हम रखने में कामयाब हो जाए। तो इसी दौर में पहियों का ज्ञान, जिससे व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के आवागमन में काफी सुविधा हुई होगी, ज्ञान है। इसी में लिखे, अब साथ ही कपास की खेती के भी साक्ष्य किसी न किसी रूप में कपड़ों के ज्ञान का संकेत हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखें, भीमबेतका एवं कई अन्य स्थलों से बड़ी संख्या में चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे भी नौपाषाण काल में जीवन में अस्थायित्व कृषि संबंधी ज्ञान इत्यादि की पुष्टि होती है। ठीक है, इससे भी कृषि संबंधी ज्ञान इत्यादि की पुष्टि होती है। उसमें जैसे वैसे पक्षी हैं जो अनाज को खाते हैं, उन पक्षियों के साक्ष्य मिलने लगे हैं। और वो जो विद्वान होते हैं वो तय, मतलब कई आधारों पे तय करते हैं, ये नौपाषाण काल की पेंटिंग है, ये मध्य पाषाण काल की है, उन विशेषताओं को देखते हुए। तो उससे भी एक पुष्टि होती है कि हाँ, जीवन में चेंजेस आ रहे थे। नोट करके लिखें आप
दक्षिण भारत में राख के टीलों के साक्ष कभी जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, इसको ऐश माउंड या राख के टीले भी कहा गया है, मतलब क्यों थे ये पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोग एक साथ पशुओं को चराने जाते होंगे और जो गोबर होता होगा एक जगह रखा जाता होगा, किसी उत्सव के रूप में कभी हो सकता है उसे जलाते हों, या ठीक है जो भी रीजन हो मतलब, बट ये हमने कल भी आपको बताया था कि पिकली हल से राख के टीले के साक्ष, ठीक है ऐसा पूछ सकता है कि भाई किधर राख के टीलों के बारे में, है ना, देख जानकारी के लिए ये अलग से, है ना। नोट में एक और पॉइंट लिख लें आप, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रसफुट ने भारत में पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, मद्रास के पलवरम क्षेत्र से, ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गया। एक और लिखें आप, बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी, से पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के क्रमिक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक और लिख लें आप कि आधुनिक शोधों में पुरापाषाण काल से भी आग के प्रमाण के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कुरनूल की गुफाएं, आंध्रा में पड़ेगा कुरनूल, बेलन नदी घाटी क्षेत्र, इत्यादि, है ना। अभी ये नियमित विशेषता थी या नहीं इसके बारे में अभी इसको बहुत कहना मुश्किल है, बट एक जानकारी रखिएगा, ठीक है, अलग अलग शोधों में इस बात को लिया गया है ना। तो मध्यपाषाण काल जब आप राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा ठीक है कि भाई मध्यपाषाण काल में नियमित विशेषता के रूप में हमें आग का प्रयोग, ठीक है, थोड़ा सा वो वाक्य रचना को हम बदल देंगे, वहां चेंज कर देंगे, ठीक है। अब लगभग लोगों के मास्क हट गए हैं ना, एक दो चार लोग रह गए हैं, ठीक है वो भी हट ही जाएंगे, है ना, दो चार लोग अभी भी हैं, ठीक है अब, है ना। हाँ एक बार नजर दौड़ा रहा था, तुम ठीक हो एकदम, तुम भी एकदम सौरभ भाई की तरह, तुम भी जो एकदम फाइट दे रहे हो गुड। ये हो गया पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नौपाषाण, और जैसे एक छोटा सा चाहो तो आप टेबल भी बना सकते हो आप, जैसे उपकरण, कृषि, पशुपालन, आग, आवास, चित्रकला, ऐसे लिख करके हमने बना लिया, जितने 8-10 पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, पुरापाषाण में क्या था, मध्यपाषाण में क्या नहीं था, ऐसे करके आप एक रिविजन के लिए, सिनॉप्सिस के लिए आप अपना देख सकते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाषाण काल में हमें चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं,
कल मैंने क्या बताया था आपको कि कला जब हम पढ़ेंगे है ना जब हम कला पढ़ेंगे ठीक है, तो कला में हमने अलग अलग पहलू कला आपको बताए थे, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, सबको पढ़ने का एक सिस्टम है ठीक है। जैसे चित्रकला पढ़ने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं, बाकी वैसे तो मैं पढ़ा ही दूंगा जो सिलेबस का पार्ट है। सिस्टम का मकसद ये है कि कभी भूले बिसरे आप भूल गए, सिस्टम आपको याद रहा, तो कुछ भी पढ़ोगे तो आप उसी सिस्टम से पढ़ना किताब में। हमें क्या ढूंढना है इसमें से, क्या सर्च करना है, जब वो पॉइंट्स जब याद रह जाते हैं, स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं अपना, तो हम मेंस में भी हमें वो हेल्प करता है कि कुछ भी पूछा चलो ठीक है, हम इस सेंस के आधार पे कुछ राइटिंग करते हैं। कैसे, जैसे आपको याद होगा नेचर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोई भी मूवमेंट वगैरह हो आप उसको यूज कर सकते हैं आप। अब जैसे हम चित्रकला की बात करें, हम चित्रकला में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक ध्यान रखते हैं विषय, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। चित्रकला में पढ़ते हैं विषय, जो चित्र मिलते हैं किन किन विषयों पे चित्र मिलते हैं, आप चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, धार्मिक विषयों पे, धर्मेतर विषयों पे, एक तरीका ये होता है। प्रकृति का चित्रण प्रायः रहता ही रहता है चित्रों में, कभी कभी क्या होता है कोई शासक संरक्षण दे रहा तो राज दरबार के चित्र आपको अधिकतम मिलेंगे, कभी चित्रों में आम लोगों के चित्र बहुत मिलेंगे, आम जनजीवन से संबंधित चित्र बहुत मिलेंगे। तो सब्जेक्ट को भी ना हम राइटिंग में कभी आम विषयों से संबंधित, दरबार से संबंधित, धार्मिक विषयों से संबंधित, प्रकृति पे, धर्मेतर पे, और भी कई तरीका है। थोड़ा और आगे चलोगे आप देखोगे, आप जब कृष्ण और राधा इन सब की लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी लोग, तो प्रेम प्रसंगों पे भी बहुत सारे चित्र बनने लगेंगे। विषय धर्म ही है बट प्रेम उसमें कहीं ना कहीं उसको, और पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल तक आते आते राजस्थानी चित्रकला वगैरह में हम देखते हैं हम कि जो अलग अलग भाव होते हैं ना, मतलब ठीक है, उन सब भावों को भी कलाकार चित्रकार जो उसे रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे बुद्ध की बात करें, बुद्ध के विषयों पर चित्र, अजंता बहुत फेमस है बुद्ध के चित्रों को लेकर के, हम आगे पढ़ेंगे भी बुद्ध के बारे में, हम उनकी पूरी जीवनी और महाभारत रामायण की जो कहानियां हैं, कथाएं, उनके ऊपर चित्र है ना। तो पढ़ते पढ़ते आपको एक सेंस बन जाएगा कि लिखना होता क्या है ये, ठीक है। कोई भी बहुत फेमस जो कुछ होता है ना कहीं पे, जो बहुत चर्चा में होता है, उसको याद रखना होता है, अदरवाइज रीडिंग करने के साथ ही एक आइडिया बन जाता है इसमें इस तरह की बातें हैं, वही कैरी भी करनी चाहिए अपने साथ ठीक है। वरना छोटे मोटे मतलब हजारों हजार चित्र होते हैं एक एक जगह पे, तो इतने सारे चित्र कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। विषय के बाद जो चित्र बनते हैं उसके टाइप देखोगे, प्रकार, तो दो तरह के चित्र आपको दिखेंगे, एक भित्ति चित्र और एक लघु चित्र। दीवारों पे जो चित्र होते हैं, चाहे वो कोई महल हो, कोई घर हो, गुफाएं हो, म्यूरल पेंटिंग, भित्ति चित्र कहते हैं उसे हम, और जैसे तार पत्रों पे हैं, कपड़ों पे हैं, बर्तन पे हैं, इन सबको हम मिनिएचर या लघु चित्र कहते हैं ठीक है। तो एक डिवीजन आपको ये भी देखेगा किस कैटेगरी में, भित्ति में है या लघु में है, सब्जेक्ट रहता है। आ रही बात समझ में सभी को, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण हो गए, जो रंग होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, कोई खनिज पदार्थ वगैरह का ज्ञान हो गया हो, पेड़ पौधों से, सब्जियों से, मतलब जिसका ज्ञान हो, फलों से, आप जैसे निकाल पाए रंग, आप रंग लाल, नीला, काला, पीला, ऐसे करके कॉमन ऐसे बताया जाता है। यदि कोई बहुत स्पेसिफिक जैसे राजस्थानी चित्रकला है तो बहुत चटकदार रंग है वहां, ठीक है,
मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, तो कभी कभी वैसे यूज करते हैं हम। पहाड़ी चित्रकला है तो वहां सादगी बहुत अधिक दिखेगी आपको, ठीक है, पहाड़ों में, है ना। तो कुछ ना कॉन्सेप्ट वाइज यूज करते हैं, अदरवाइज मुगलों के पेंटिंग उसमें चटकदार चमकदार रंग खूब है। गोल्डन कलर का तो शाहजहां इतना यूज किया जैसे लगता है कि मतलब कितना प्यार था सोने से उसे, है ना, गोल्ड से। अदरवाइज मतलब ना भी ध्यान रहे वो तो रह जाएगा ध्यान, मैं बताऊंगा। मतलब प्राकृतिक रंग लाल ऐसे करके बता दिया, ठीक है। तो वो लिखने का एक बहुत तरीका हो जाता है कि लिख दिया। कोई स्थल प्लेस जहां से चित्र मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी होता है ध्यान रखना, कहां कहां से चित्रों के साक्ष्य मिले हैं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गया। यदि संरक्षक के बारे में पता है कि किसने उसको संरक्षण दिया है तो वो भी लिख सकते हैं उसके बारे में। प्लेस, संरक्षक, अवधि या किस पीरियड के चित्र हैं, कालखंड, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है। तो जब भी हम चित्रकला की, वैसे भी हम पाषाण युग चित्रकला की बात करेंगे या किसी काल में, कोशिश करेंगे इसमें जितनी बातें आती हो वो सब कवर हो जाए राइटिंग। क्लियर सभी को ना? ऐसे ही आगे जब हम स्थापत्य पढ़ेंगे, मूर्तिकला पढ़ेंगे, सबका कुछ कुछ पॉइंट्स है। धीरे धीरे इस पॉइंट्स को बैठा लीजिएगा दिमाग में कि आपको मन करे कल मुगल चित्रकला पढ़ने का बहुत ज्यादा नहीं आइडिया है, बस आपको आइडिया हो जाए कि हमें ये ध्यान देना है उसमें, तो आप देखोगे धीरे धीरे फोकस हो जाओगे, पढ़ के निकाल लोगे उसमें से पॉइंट्स। आप, मैं भी इसी को बेस करके ही आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। लिखे आप जरा पाषाण युग चित्रकला के बारे में। लिखे पाषाण कालीन चित्रकला के पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष ठीक है, बड़ी संख्या में विभिन्न गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न गुफाओं से प्राप्त होते हैं जैसे भीमबेतका, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कौमा मिर्जापुर, चित्रकूट इत्यादि, ब्रैकेट में लिख लो आप, भित्ति चित्र, ठीक है। कभी कभी चूंकि गुफाओं से मिल रहे हैं तो कह देगा केव पेंटिंग, गुफा चित्र, मतलब शब्दों का ही खेल थोड़ा होता रहता है। कह देगा भाई प्राचीन काल जो है केव पेंटिंग के लिए जाना जाता था, अब कहां कहां से गुफा चित्र के साक्ष्य मिले उसके बारे में थोड़ा बता दो, ऐसे क्वेश्चन मेंस में हो सकते हैं। दूसरा लिखें आप, अगला पॉइंट देखिए, इन चित्रों का संबंध पाषाण काल के सभी अवस्थाओं से है, पाषाण काल के सभी अवस्थाओं से हैं। यहां लिख लो आप, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। मिलने लगते हैं मध्य एवं नौपाषाणकालीन चित्र बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं।
बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। तो जैसे पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें कब से मिलने शुरू होते हैं, उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में भी अंतिम अवस्था से मिलने शुरू होते हैं, एक इंफॉर्मेशन हो गया। मध्य और नवपाषाण काल के चित्र बड़ी संख्या में मिलते हैं, क्योंकि गुफाओं में है, वहां जाना भी इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, और अलग अलग मौसम के जो प्रभाव होते हैं उससे भी सुरक्षित है, तो चित्र लगभग रह गए हैं, मिल गए हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये इसका हो गया हमारे पास कि भाई अगला पॉइंट लिखे आप, काल हो गया हमारा, है ना। जैसे देखो हमने क्या बताया, कालखंड के बारे में थोड़ा बता दिया आपको, प्लेसेस के बारे में बता दिया कहां से मिल रहे हैं, ना। तो कहीं ना कहीं हम पॉइंट्स में इन सबको हम लेते चलते हैं, राइटिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, देखिये पाषाण युग चित्रों को प्रायः अनगढ़ पत्थरों या प्राकृतिक पत्थरों पर चित्रित किया गया है। जैसा है गुफा उसी पे, मतलब कोई ज्यादा उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाया गया है, जहां संभव हो चित्र करना वहां चित्र कर दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, चित्र बनाने के पहले उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जैसा था वैसा था, उस दौर में संभव ही नहीं कि भाई सर्वाइवल वाली बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, पाषाण युगीन चित्रों के प्रमुख विषय हैं विभिन्न पशुओं का शिकार, ठीक है, विभिन्न पशुओं का शिकार, कॉमा देखेंगे, शिकार की प्रक्रिया में विभिन्न लोगों का सहयोग, जैसे कोई शिकार कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग साथ में, मतलब उसको घेर रहे हैं पशु को, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है ना। विभिन्न वर्गों का सहयोग, लोगों का सहयोग, कौम अधिकारी को पाषाण युगीन उपकरण, कौमा शिकार के पीछा करने का दृश्य, ठीक है, पीछा करने का मतलब शिकार है उसके पीछे दौड़ने का दृश्य है कि भाई दौड़ के पकड़ना है उसे, है ना, ऐसा कुछ है। कौमा देकर लिखो आप, कि चूहे पकड़ने का दृश्य, एक चूहा पकड़ने का भी दृश्य है उसमें, महिला के द्वारा चूहा पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है एक पेंटिंग में, है ना, झोपड़ी के भीतर परेशान करता होगा चूहा, ठीक है ना, घर में चूहे छिपकली, है ना, दृश्य। कौमा जाल में बड़ी संख्या में छोटे छोटे पशु पक्षियों का दृश्य, ठीक है, कौमा मछली पकड़ने का दृश्य, चित्र इत्यादि, ठीक है। तो शिकार मेन विषय था हर एक काल में। खेती और पशुपालन का मतलब ये नहीं कि शिकार गौन हो गया है,
खेती पशुपालन तो दिखाई पड़ रहा है हमें, वो एक नई चीज आ गई साथ में, अब रह सकते हैं, शिकार पकड़ के कहीं से ले आएंगे और यहां रह लेंगे हम, या पशुपालन शुरू कर दिया है तो अब शिकार के लिए कहीं जाने की जरूरत, धीरे धीरे उसको अस्थायित्व आने में उसको भी बहुत सैकड़ों हजारों साल लगेंगे। आगे लिखे आप, देखिए शिकार के अतिरिक्त पारिवारिक जीवन झोपड़ी अंतिम संस्कार नृत्य इत्यादि के भी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पाषाण युगिन जीवन को, पाषाण युगिन जीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, पाषाण युगिन जीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, उस काल के बारे में जैसे हम पत्थर के उपकरणों से जानते हैं, वैसे चित्रों से भी जानते हैं। एक और पॉइंट लिख लें आप, अगला पॉइंट, इन चित्रों के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा होगा, इन चित्रों के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा होगा यह स्पष्ट नहीं है। क्योंकि संभवतः अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना ठीक है, कि भी कैसे जीवन चल रहा है उसको बताना अगली पीढ़ी को, बच्चे वगैरह जो होते होंगे, है ना, प्रशिक्षित करना, या फिर मनोरंजन एवं धार्मिक उद्देश्यों से भी, चित्रों का निर्माण धार्मिक उद्देश्यों से भी, मनोरंजन एवं धार्मिक उद्देश्यों से भी चित्रों का निर्माण किया जाता होगा। तो क्या मकसद है, तो उसके पीछे ये सब अनुमान है तो कुछ तो कह नहीं सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लें, चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ठीक है, नेचुरल्स कलर। अब इस एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, उसी स्ट्रक्चर पे मैंने बता भी दिया। अब कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तब आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कहीं से भी कुछ सामने आया तो। और जो हमने बताया था मॉडर्न इंडिया में, कि भाई जो मैं करा रहा हूं उस पर करना है, साथ में यहाँ अपने आर्य शर्मा वाली किताब को हम बेस बनाएंगे और छठी वाली एनसीईआरटी को भी बेस बना रहे हैं, दोनों को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से फिर जो थोड़े बहुत एडिशन होंगे वो एडिशन होंगे आपके, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर ना, सेम चीज है जैसे एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री पे और कल्चरल हिस्ट्री पे, यदि आपने 200-300 क्वेश्चन बना लिए तो बहुत है अपने विजन आईएएस वाले, और पुराने सवालों को सॉल्व करना है। कुछ कुछ नई जानकारी मिलेगी आपको, इसलिए मिलेगी कि देखो पाषाण काल में भी बहुत सारे छोटे बड़े अनुसंधान हैं। यूपीएससी का तो सेंस पता है, उसी सेंस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट क्वेश्चन बनाने वालों का जैसे क्या होता है कि विजन के बाहर भी कई बार आप क्वेश्चन वगैरह देखने लग जाते हैं, है ना। विजन में तो एक सिस्टम मुझे पता है, एक रिसर्च टीम काम कर रही है, उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मकसद या तो आपको ट्रेंड बताना होता है, या आपका टेस्ट करना होता है, या आपको इंफॉर्मेशन देना।
जो हमारे पेपर होते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ट्रेंड बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल पे आपका जांच भी कर लेना कि भाई कितना आप तैयार हैं, और इन्फॉर्मेशन देना भी. तीनों में क्या होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा मकसद है. क्वेश्चंस में पता चला, क्वेश्चंस लिखने में हम तीन क्वेश्चंस बना देते हैं, हम चार लाइन के क्वेश्चंस जब लिखते हैं तो उसमें पता चला तीन क्वेश्चंस का आंसर उसी में दे दिया हमने, फिर चार ऑप्शन हो गए, फिर उसकी व्याख्या करते हैं तो 50 बातें उसमें बता जाते हैं. आ रही है बात समझ में? इसलिए हमने कहा कि 200 300 500 क्वेश्चन विजन का पढ़ना अपने आप में समझो कि एक ओवर बॉइलिंग वाली बात हो जाती है, सर्विसिंग वाली बात हो जाती है पूरी तरह से एकदम, ठीक है. बाकी कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने कहा पटने में शुतुरमुर्ग का अंडा मिला, पटने पटना नहीं है ना, मिला है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना. भदने में ये मिला है, ठीक है भाई मिला है, महाराष्ट्र के सब साइड से. तो कभी कभी ना लोग ऐसे भी तो कभी कभी घबराहट से आती, क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया. नहीं बिल्कुल नहीं, सब कुछ है, सब पता है कि ये सब है, उसका कोई रोल नहीं है. एक जिस मकसद से सिलेबस दिया गया है, विकास यात्रा जीवन संस्कृति को समझना, दूसरा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही सब कॉन्सेप्ट, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी को भी थोड़ा एकत्रित. सेम मॉडर्न वाला ही पैटर्न यहां लेके चल रहा हूं, क्लियर ना सभी को? तो ऐसे हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन छोटे बड़े, जो बेल नदी घाटी में लोहंदा नाला में हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, संभवतः धार्मिक विश्वासों की ओर संकेत करता है, ठीक है. कहने का मतलब जैसे कल ही था, जैसे हमने महदहा दमदमा, महदहा में युगल सवाधान का साक्ष मिला है, 41 ऐसे मिले हैं, ठीक है. दमदमा में हड्डी के आभूषण मिले हैं, ठीक है, सिलबट्टे मिले हैं, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है. ऐसे अनुसंधान जहां इंफॉर्मेशन है, किताबें ऐसी होती हैं तो शोध होता है, उस पर लेखक किताब लिख देता है तो भाई इतनी सारी जानकारी हो गई. नहीं, कभी भी आप फंस जाएंगे, फिर ट्रैप हो जाएंगे उसमें आप. बहुत से स्टूडेंट्स हिस्ट्री में तथ्यों के ट्रैप में फंस जाते हैं. वो हमने देखा है अपने समय में, जब हम तैयारी करते थे, हम पुरानी बात बता रहा हूं, तो सारे स्टूडेंट्स जो दोस्त वगैरह होते थे जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो उत्साह से तैयारी बहुत लोग शुरू करते थे. पाषाण काल पढ़ा और उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा में तो आने के बाद 7-8-10 दिन हड़प्पा पे ही रुक जाते थे वो. ये अंशुमान द्विवेदी की किताब है, ये कोटियाल की किताब है, ये झासरमाली से हमने ले लिया, ठीक है, मतलब 500-700-1000 पेज के नोट्स हड़प्पा पे, और जैसे लगता है कि अब अनुसंधान कर देना हड़प्पा पे. अब आर्कियोलॉजिस्ट गए पीछे, जैसे अभी कुरुक्षेत्रा उत्खनन शुरू हुआ है तो कुछ कुछ चीजें फिर मिलेंगी वहां. एक असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, स्टूडेंट ही है मेरा, वो भी कुछ ना कुछ भेजता रहता है 2-3 दिनों पे, सर अब ये जानकारी मिल रही है यहां से, है ना, वो भी रिपोर्टिंग करता रहता है मुझे, मैं बताते रहना कुछ खास बात मिले. अब देखना षड्यंत्र मत करना, मैं भी कहता हूं, है ना, दिमाग मत लगा देना, ठीक है, तुम लोग जो है वैसे रखना, मतलब समाज और उसके प्रति एक भूमिका होती है ना. तो रोज हजारों की संख्या में चीजें मिलती हैं, वहां से निकलती हैं, ठीक है. तो मेजर मेजर जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें, खेती, पशुपालन, बर्तन, ये सब जीवन को प्रभावित, इसलिए एक एग्जाम्पल अभी इसलिए बता दिया कि अब आगे कैरिड मत होइएगा, जितना है जो है इसी को संभालिए, ठीक है. अदरवाइज सब पे रेफरेंस बुक भी होती हैं, ऑप्शनल वाले स्टूडेंट चाहे तो पढ़ सकते हैं. जैसे अब इग्नू की करीब करीब मुझे लगता है, अब मुझे ध्यान नहीं है, शिवम बेटर बताएगा, ग्रेजुएशन वाले में तो 9 या 10 कुछ ऐसे बुकलेट मैंने देखे थे, है ना, या 12 बुकलेट थे. और पाषाण काल पे जो बुकलेट है उसमें 70-80 पेज है पाषाण काल पे. यस, और एक एक पेज में कम से कम 150 इंफॉर्मेशन है. सरकारी किताब की बात कर रहा हूं मैं. एक गजेटियर ऑफ इंडिया करके आती थी किताब, अब वो नहीं चलती किताब, देखें अवशेष भी नहीं मिलेंगे, हमारे समय बहुत पॉपुलर थी. भारत सरकार की तरफ से गजेटियर ऑफ इंडिया आती थी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारी सरकारी किताबें रही हैं जिसको लोगों ने अपने दौर में पढ़ा है. बट अब का पहले ना सिलेबस फिर भी टारगेटेड होता था, जैसे ऑप्शनल है तो पढ़िए आप, जीएस है तो उतना ध्यान. अभी क्या है कि दायरा ज्यादा बड़ा हो गया अब एग्जाम का पहले की तुलना में,
पहले की तुलना में ज्यादा चीजें पढ़नी है अब, मतलब ऐसे में कह सकता हूं रॉ भाषा में, ठीक है, ज्यादा चीजें पढ़नी है आपको, इसलिए आप कहीं रुक करके बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे आप उसके। गहराई करने का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, गहराई तो पूरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। अब इसके बाद एक छोटी सी समझ मैं आपको देता हूं, है ना, क्वेश्चंस वगैरह तो आपको असाइनमेंट मिलने शुरू हो ही गए होंगे, अब लिखना शुरू किया कि नहीं किया आपने? कितने लोगों ने राइटिंग की? अच्छी खासी संख्या की ना, ठीक है। नहीं, कल वाला नहीं, पहले वाले कर रहे थे ना, तुम पीछे, तुमने किया, कर रहे राइटिंग, गुड। आ जाओ, एक और छोटी सी जानकारी दे दूं मैं, फिर हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ चलें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड़प्पा को कंप्लीट कराने के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन मेंस का रखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा आधे घंटे का, जो यूपीएससी में पूछे गए हैं कल्चर वाले क्वेश्चन उसको ले लेंगे, हड़प्पा से दो तीन पूछे गए हैं, एक पाषाण काल से पूछा गया है, और क्या क्या ध्यान रखना है हमें राइटिंग में यहाँ, ठीक है, ऐसे करके तीन चार छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के सेशन, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 13 से शुरू हुआ है, 14-15 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, तो हो जाएंगे वो वैसे ही बातचीत के क्रम में। अभी जैसे हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा पाषाण काल में कि मेहरगढ़ की बात करें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे मान लो कि 7000 BC के आसपास एविडेंस मिलने शुरू हुए, यहां पे कुछ 5000 BC के आसपास हमें एविडेंस मिल रहे हैं, यहां पे 2500 BC के आसपास मिल रहे हैं हमें, यहां भी 2500 BC के आसपास मिल रहे हैं, यहां 2000 BC के आसपास, यहां 1500-1000 BC के आसपास नौपाषाण काल के एविडेंस, नौपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हमने डेट लिखाया नहीं आपको, वैसे थोड़ा बहुत मेहरगढ़ का डेट हर जगह मिल जाता है, तो कोई एक तो है ही नहीं, जैसे यहां शुरू हुआ तो यहां आसपास संस्कृति का विकास होगा, ठीक है, जहां होगा जैसे यहां है तो इसके आसपास को संस्कृति का विकास होगा, इसके आसपास विकास होगा, वो दायरा फैलता चला जाएगा, जहां होगा वहां आसपास उस संस्कृति लोगों की बसावट जो है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहां आया तो सबसे पहले कच्ची ईंटों के मकान भी यहां मिलेंगे, कपास का ज्ञान वगैरह है, उपकरण के किट वगैरह मिलते हैं, पशुपालन बेहतर तरीके से यहां मिल रहा है ना, तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, तांबे का ज्ञान पूरे इसमें, यहां तांबा का ज्ञान सबसे पहले यहां के लोगों ने, चाहे जैसे भी हो, तांबा का ज्ञान हासिल किया, ठीक है, और यहीं के लोगों ने सबसे पहले कांसे का ज्ञान भी हासिल किया, तांबा और टीन को मिलाकर के जो हम ब्रोंज बनाते हैं, है ना, कांसा थोड़ा कठोर होता भी है, अब जैसे भी हो, तांबे का ज्ञान, तांबे के पात्र में भोजन करना, पानी पीना, आप देखोगे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, ठीक है, और माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहला धातु जिसका ज्ञान आदि प्रारंभिक मौ तांबा है, तो इसमें कहता हूं ना कि किसी को एक एक वैज्ञानिक रीजन भी है उसका, एक सम्मान का भाव भी है, एक नया ज्ञान है, ठीक है, दोनों पहलू चलते हैं, तांबे को बहुत एक देखोगे आप पूज्य माना जाता है, वैसे देखोगे आप मतलब बड़ा ही, दोनों तरह के पहलू, तो वो सम्मान श्रद्धा उसकी उपयोगिता के कारण भी बनने लगती है। अब कांसा थोड़ा कठोर होता है ना, तो यही क्षेत्र है कि जहां नौपाषाण काल के बाद यहां एक तांबे के प्रयोग करने वाली ताम्रपाषाण, इसको हम क्या कहते हैं, नौपाषाण जब तांबा का ज्ञान शुरू हो गया तो हम कहते हैं ताम्रपाषाण कालीन लोग, यहां पर 3500 BC के आसपास ताम्रपाषाण कालीन लोग भी हमें मिलते हैं, यानी लगभग ये ग्रामीण बस्तियां बस गई यहां पर नौपाषाण काल से, थोड़ा बेहतर जीवन, ठीक है, 3500 से 2600 BC, लेकिन अभी भी इन सब इलाकों में नौपाषाण कहीं नहीं आया है, कहीं आया है कहीं नहीं आया है,
भारत का एक हिस्सा जो तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से, मतलब अब तो पाकिस्तान में पड़ता है वो, पाकिस्तान इन सबको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है वो, ठीक है, वो अपने इतिहास को बदलने पे तुला हुआ है, ठीक है, हम साझा इतिहास पे बल देते हैं। जैसे देखा आपने, रूस कहता था यूक्रेन को हमेशा, हमारा आपका साझा इतिहास है, यूक्रेन बार बार कहता था साझा इतिहास नहीं है, हम पाकिस्तान को कहते हैं बार बार हमारा साझा इतिहास है। इतिहास के कई ऐसे दौरे के हम साथ रहे हैं ना, ये तो 15 अगस्त 47 के बाद चीजें बदली है ना, उसके पहले तो ठीक है। जैसे हम हड़प्पा को बहुत चाव से पढ़ रहे हैं, हम भाई हड़प्पा हमारी विरासत का हिस्सा है, अब ये बात जब बोलेंगे तो पाकिस्तान को अच्छा थोड़ी लगेगा कि हड़प्पा हमारी विरासत का हिस्सा है, आ रही बात समझ में ना। तो ये सब भी एक खतरा होता है, और संस्कृति में बहुत अंतर भी नहीं है, चलिए वो तो अलग दौर में बात कर लेंगे कभी। तो बाकी जगहों पे कहीं नौपाषाण आया है, कहीं नहीं आया, यानी मध्यपाषाण है, पुरापाषाण है। जब यहां कांसे का प्रयोग शुरू हुआ यहां पे, ठीक है, कांसा थोड़ा कठोर धातु है, तो जीवन में कई सारे बदलाव देखे गए, ठीक है। और 2600 से 1900 बीसी के बीच में इसी क्षेत्र में एक शहरी सभ्यता उभर कर सामने आती है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 2600 से 1900 बीसी के बीच में इसी क्षेत्र में, अब देखो 2600 से 1900 बीसी हम यहां मान लें, हम इस वाले इलाके में, ठीक है, तो अभी भी देखोगे आप यहां तो नौपाषाण इधर भी नहीं इधर भी नहीं। आप ये समझ लेना कि पाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में विकास का अलग अलग स्तर रहा है, जो बात हमें बतानी है, जिससे आप ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ने के दौरान ये क्या हुआ ना हुआ, बस एक ये लाइन समझ लेने से, अलग अलग हिस्सों में विकास का अलग अलग स्तर है, अलग अलग कालखंड है, ठीक है। हम जिसे हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, देखते देखते इसका विस्तार अच्छा खासा हो गया, तो भाई लोग रह रहे हैं, अब जीवन में अस्थायित्व है, तो पता चला 100-200 किलोमीटर दूर जाके किसी से संपर्क स्थापित कर भी होगी, कोई इधर आ गया या कोई उधर चला गया, वहां की अच्छी बातें यहां आ गई, यहां की अच्छी बातें वहां पहुंच गई। ऐसे करते करते मेहरगढ़ और आसपास की संस्कृति से ज्ञान का प्रसार धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग इलाकों में, सिंध वाले इलाकों में, गुजरात, सिंध हड़प्पा का एक बड़ा सेंटर रहा है, ठीक है, गुजरात है ना, ठीक है, सिंध हो गया आपका, गुजरात है, राजस्थान का कुछ इलाका है ना, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, कालीबंगा की बात करें हम, ठीक है, वैसे यूपी का कुछ इलाका होगा, मतलब धीरे धीरे उस सभ्यता संस्कृति का प्रसार होना, वो स्वतः ही लोग उन्नत जीवन के लिए थोड़ा दूसरे क्षेत्रों से संपर्क, दूसरे क्षेत्रों से संपर्क, आदान प्रदान वस्तुओं का शुरू हुआ। तो देखते ही देखते ऐसा देखा गया, माना गया है, जो एक कार्बन 14 पद्धति होती है, काल निर्धारण की पद्धति होती है, ऐसे और भी कई पद्धतियां हैं, अस्थरीकरण होता है, एक आधा और साइंटिफिक मेथड होता है, उन सब के आधार पर मोटे तौर पर माना गया है कि 2600 से 1900 बीसी के बीच, या कभी कोई कहता है 2300 से 1900 के बीच, बट उसमें भी नहीं पढ़ना है हमें, ये मानक है, यहां एक शहरी सभ्यता का विकास हुआ इस वाले क्षेत्र में, जिसमें जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हड़प्पा एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो एक जगह है, लोथल, धौलावीरा का नाम आपने सुना होगा, भी रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा है, यूनेस्को की विरासत सूची में से शामिल किया गया है, 6वीं वाली किताब में अलग से धौलावीरा के बारे में बताया गया है एक पैराग्राफ में, और 2021 वाला जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा भी था धौलावीरा, बहुत सिंपल सवाल, आर्य शर्मा में भी है वो, उसमें भी है, जो मैं कहता हूं ना हर एक साल का एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ना, पढ़ने के बाद 5-6-10 में 4-5 सवाल बनने योग्य होते हैं आराम से, ठीक है, और 2-3 मेहनत से बनेंगे, थोड़ा जो पकड़ अच्छी रहेगी तो 1-2 नहीं बनेंगे, कुछ भी कर लो। तो इन सब शहरों में टाउन प्लानिंग बड़ी उन्नत मिलती है, एक तरफ शासक वर्ग के लोग, एक तरफ आम लोग, सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सभी शहरों में कमोबेश एक जैसे बर्तन, एक जैसी ईंटें,
और भी जो आभूषण वगैरह यूज होते थे, मुहरे होती थी, मन के होते थे, ठीक है, एक जैसे, एक रूपता गजब का है, अनाज रखने के लिए, ठीक है, जो विशाल का है, बर्तन वगैरह होते, जैसे अन्नागार कह सकते हैं आप, एक रूपता गजब की है। तो ये कहा जाता है कि भाई एक नौपाषाण संस्कृति से ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण से कांस्य युगीन शहरी संस्कृति, शहरीकरण कैसे हुआ ये पता नहीं, ठीक है, ये कैसे हुआ, बट दुनिया में बाकी जगहों पर जैसे समकालीन मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्र यानी नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया यानी इराक की बात करें हम, ये सब समकालीन सभ्यताएं हैं, बाकी जगहों की लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं, वहां ये देखा गया, वहां भी नौपाषाण काल से ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल से धीरे धीरे लोगों ने उन्नत जीवन की तलाश में शहरों की ओर, तो यह माना जाता है कि भारत में भी वैसे ही हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में स्थापित हो पाई होगी। बट दूसरी समस्या क्या दिखती है कि सभ्यता के बहुत सारे शहर और बहुत सारे स्थल एकदम वीरान हो गए, नष्ट हो गए। तो एक तो आखिर यह शहरी सभ्यता आया कैसे पता नहीं, और ये गया कैसे ये भी नहीं पता हमें। तो जब क्या है, जब उत्खनन करना शुरू किया हमने, या हमें जब पहली बार पता चला, तो वो तो हमें पतनग्रस्त अवस्था, मैंने लोग तो बनावट तो कुछ बसावट तो ऐसी है नहीं, नष्ट हो चुका है, मलबा है वो। जब हमें जानकारी मिली, तो हमने जब देखा, अनुसंधान शुरू किया अंग्रेजों के समय ही और उसके बाद भी, तो देख के लगा कि भाई जिनकी भी ये बसावट है, किलोमीटर, पांच पांच किलोमीटर में शहर पर किलोमीटर में फैले हुए, तो बहुत बेहतरीन सोच वाले लोग हैं, जो काल निर्धारण हुआ तो बहुत पुरानी बात है भाई। तो ये हुआ कैसे, आया कैसे और गया कैसे पता नहीं। सब लोग मानते हैं कि हाँ एक शहरी सभ्यता, मतलब यूरोपियंस अमेरिकन सब मानते हैं कि बहुत डेवलप एक सभ्यता रही, हमारे लिए भी प्राउड का विषय होता है। आ रही बात समझ में सभी को? दो बातें, तीन बातें बताई मैंने आपको, जो फिर मानता हूं। एक, उपमहाद्वीप में विकास का अलग अलग समय है। इधर यदि शहरी सभ्यता है तो पता चला इधर अभी नौपाषाण युग ही चल रहा है। क्लियर? मैं सभी को पहली बात बताई मैंने, क्योंकि सबसे पहले यहां विकास शुरू हुआ, तो आगे डेवलपमेंट तो यहीं से आप देखोगे धीरे धीरे, आसपास में शहरी केंद्रों का तेजी से विकास। 7000 बीसी में खेती का ज्ञान बहुत पुरानी बात हो गई ना, यदि 2600 तक शहर बन जा रहे हैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, करीब 3500 साल के बाद, तो 3500 साल कम थोड़ी होता है मानव को समझने देखने, कई पीढ़ियां खप गई होंगी उसमें, ठीक है। तो शहरी सभ्यता आई भी और गई भी। तो अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में इधर तो हमको ऐसा लग रहा है कि पहले तो अल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस दिखते थे इसमें, शायद 3 साल में 2 क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं। ऐसे भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। हड़प्पा हमें दुनिया में एक अलग पहचान देती है, हमें दुनिया के प्राचीन सभ्यता वाले देश में, हम सब कहते हैं ना दुनिया के किसी भी मंच पे, हम हमारी सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है ना, तो उसमें हड़प्पा भी हमें एक पहचान, ठीक है। तो भारत सरकार भी बहुत इसे प्रायोरिटी पे लेती है, मतलब, ठीक है। और मेंस में भी इससे अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, पिछले 9 वर्षों में कम से कम 3 सवाल 2.5 सवाल तो पूछे ही जा चुके हैं इससे, तो दोनों हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पढ़ना क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूं एक बार, है ना, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं भी ले लूंगा इस बात को, ठीक है, मैं भी बताऊंगा इस बात को। हड़प्पा में पढ़ना क्या है, मैं अब सभ्यता जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग ना, ये भौतिक उपलब्धियों के सेंस में, भौतिक विकास के मापदंड के सेंस में,
ठीक है, सभ्यता जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, सड़कें हैं, बाइक लगे हुए हैं, कार लगे हुए हैं, तमाम तरह के बिल्डिंग्स हैं, आप देखो स्ट्रीट लाइट हैं, ठीक है ना, प्लांट में पूरे मुखर्जी नगर को बसाया गया है, ये सब हम इसको देख सकते हैं बहुत आराम से, भौतिक एक विकास का पैमाना है ये, है ना। सभ्यता वर्ड कैसे यूज करते हैं हम, भौतिक विकास के मापदंड के रूप में, क्लियर सभी को ना। हम ऐसा विकास करते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सोच भी है, बहुत उन्नत जीवन जीना है, ऑर्गेनाइज जीवन जीना है, ठीक है, प्लानिंग से थोड़ा सौंदर्य को भी महत्व मिलता है कहीं ना कहीं, है ना, ये सोच है ना भाई। तो सोचना कि हमें इस तरह से जीना है, वो कल्चर और सभ्यता। सभ्यता क्या होता है, संस्कृति का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि हड़प्पा की वैचारिक बातें तो हमें पता है नहीं भाई, क्या सोचते थे नहीं सोचते थे, उसे में लिपि जो मिली गई पढ़ी नहीं गई है, जो मिलते हैं हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं इसे हम, बट सभ्यता भौतिक अवशेष के कारण सभ्यता वर्ड ही ज्यादा पॉपुलर है इसमें, समझ में आ रही बात सभी को, यस। जैसे संस्कृति सभ्यता ऐसे वर्ड ना यूज होते रहते हैं, सभ्यता संस्कृति का ही रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कुछ सामान्य जानकारी लेंगे अभी हम, जैसे नामकरण, कालखंड को लेकर के एक छोटी सी समझ, ठीक है, भौगोलिक विस्तार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, उदय कैसे हुआ, राजनीति के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं ना, कुछ सामान्य जानकारी लेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले अभी, इसके बाद हम लोग, सामान्य जानकारी के बाद हम लोग अर्थव्यवस्था, समाज, कला, धर्म और पतन, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा जो आपका पढ़ाई होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है जब पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम, है ना। सामान्य जानकारी में नामकरण, कालखंड, सब दो दो पांच पांच मिनट की बातें हैं, अभी हम करते जाएंगे आपसे हम, ठीक है, फिर थोड़ा ऑर्गेनाइज रूप में देखेंगे अर्थव्यवस्था, समाज, कला, धर्म और पतन। कला में हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे जिसके लिए हड़प्पा जाना जाता है, ठीक है। पानी गले से नीचे उतर गई, अब मैं बता रहा हूं, समाज के बाद कला, धर्म और पतन, ठीक है। अब आप सबसे पहले जरा लिखिए एक बार नामकरण के बारे में, लिखें पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है विज्ञान में यह परंपरा है कि किसी संस्कृति या सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जिस स्थल से होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण या उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा से इसकी जानकारी मिली,
और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में ठीक है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन की शुरुआत की। ठीक है, दयाराम साहनी ने उत्खनन, बहुत सारे लोग उत्खनन करते हैं एक जगह पे, बहुत से विद्वान होते हैं, इसलिए वो भी प्रैक्टिकल नहीं कि आप नाम याद रखें उसका। ठीक है, जैसे धौलावीरा अभी न्यूज में आया था यूनेस्को के कारण, तो करंट वाली मैगजीन में सब मिल जाएगा आपको कौन कौन लोगों ने वहां उत्खनन किया है, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा से परंपरा पृथ्वी विज्ञान में, इसी में लिख लें आगे चल करके थोड़ा अगला पॉइंट। हालांकि इसका एक लोकप्रिय नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था तो नदी घाटी से दूर नहीं जा सकते थे पानी के लिए, भी इनकी सीमा थी। मैदानी इलाकों में तो थे ये, बट नदी घाटी में ही थे, नदी के आसपास वाले इलाके में थे। समझ में आ रही बात सभी को? अब नदी के किनारे क्या होता है, आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे लकड़ी से भी, तांबा कांसा से भी, तो आप पानी निकाल लोगे आपको वहां से। तो जो इनका शहरीकरण है वो नदियों के नजदीक ही है, कुआं वगैरह के साक्ष्य तो मिलते हैं यहां से हमें, बट वो सब नदियों के नजदीक है, पक्की ईंट के कुएं बने हुए हैं। ठीक है, बट वो सब नदियों के नजदीक, दूर नहीं जा सकते आप, तो मजबूरी नदी के किनारे। आप नदी के किनारे रहने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। परिवहन पे, नदी पे ज्यादा निर्भर हैं आप। ठीक है, बाढ़ वगैरह जब आएगा तो उसका नुकसान भी है। ठीक है, तो वो इसकी सीमा भी हो गई है ना। तो नामकरण हो गया पहला आपका। अब लिखे काल, काल खंड, यहां लिख लें आप कि 2600 से 1900 बीसी को हड़प्पा के परिपक्व अवस्था या शहरी अवस्था का चरण माना जाता है। ठीक है, ये मेन माना जाता है। इसमें भी ना जैसे कार्बन 14 पे 2300 ऐसे करके आ जाएगा डेट, मतलब डेट थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, बट ये स्वीकार्य तथ्य है। कोई बात नहीं, जैसे किन किन किताबों में मैं तो पूछूंगा है ना, बताना मुझे जरा तुम पहले एक बार। ठीक है, ठीक है, तो हमने समझाया कि आपको ज्यादा टेंशन मत लीजिए डेट को लेकर के, अभी अनुसंधान जारी है। अब स्पेसिफिक वजह से कह रहे हैं ना, C14000 पे डेट बताया, तो एक बात समझ में आती है, वो वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, अब मैं लोड देना नहीं चाहता हूं आपको भी इस तरह से, क्योंकि दूसरे जरिए से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचा लेते हैं क्वेश्चन के जरिए भी। ठीक है ना, तो हम बस समझ बनाते चले, पढ़ना बहुत है, बट 2600-1900 स्वीकार्य मत है, 100-500 से 100-50 से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वैज्ञानिक अवधि में फर्क पड़ता है कि हाँ भाई ये मेथड में क्या माना गया। ठीक है, मार्शल कुछ कहते हैं, मैके कुछ कहते हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दे रखा है ना हड़प्पा के बारे में भी। इतिहास बैकग्राउंड है क्या आपका भी? गुड,
क्या? हाँ बिल्कुल शिवम, वो डिपेंड करता है किस किताब को आप मानते हैं। हाँ मतलब किसको पढ़ते हैं डेट वगैरह में। हाँ डीपी अग्रवाल का इसमें सबसे बेहतरीन शोध है, इस पे वो किताब नहीं मिलेगी। हाँ वो ठीक है, वो किताब नहीं पढ़ेंगे जल्दी कोई लोग, जानता हूँ। ठीक है, डीपी अग्रवाल का इसमें बहुत अच्छा काम है इसमें, है ना। वो मानने वाली बात है, कोई इशू नहीं है उसमें, हम तो इग्नू को मान के चल रहे हैं। ठीक है, सरकारी किताब को लिखें। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि आप इसमें ज्यादा 100-200 वर्षों के लिए परेशान मत होइएगा। बहुत जगह कालखंड तो मैं डिसाइड कर देता हूँ कि भाई इसको ऐसे लेके चलिए, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, कोई बहुत साइंटिफिक रीजन हो तो वो बात हो सकती है, वो क्वेश्चन नहीं है हमारा वो। ठीक है, इसी में लिखे आप। हालांकि हड़प्पाई क्षेत्र में हड़प्पाई क्षेत्र में 3500 से 2600 ईसा पूर्व को हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति हड़प्पाई क्षेत्र कहने का मतलब पूरी सभ्यता का क्षेत्र, केवल हड़प्पा की बात नहीं कर रहे हैं। उसे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति तथा 1900 से 1200 बीसी के मध्य उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने भी आपको बताया इस वाले इलाके में एग्जाम्पल, ठीक है, एक पूरा इलाका जैसे हम अभी लें एक बार के लिए, है ना। मान लो जैसे ये जो इलाका है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, ये कुछ यहाँ का भी इलाका है, और मोटे तौर पे मान लिया कि हमने ये हड़प्पा का इलाका है। ठीक है, तो इस वाले इलाके में, पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ राजस्थान का इलाका आ गया, गुजरात का इलाका है ना, कुछ वैसे यूपी का भी इलाका है इसमें, है ना, मैं बताऊंगा अभी। तो हमने कहा 2600 से 1900 बीसी शहरी चरण के तौर पे, हमने कहा इसी क्षेत्र में 2600 के पहले भी ग्रामीण संस्कृतियों के अस्तित्व मिलते हैं, ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियां, तांबे का प्रयोग करने वाले लोग। और इसी क्षेत्र में जब सभ्यता का पतन होता है तो आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में हमें ग्रामीण संस्कृति, उसको 1900 से 1200 ईस्वी हड़प्पत्तर अवस्था, उप सिंधु, उत्तर हड़प्पा, उसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, पोस्ट हड़प्पा, ताम्रपाषाण में भी बताऊंगा। यानी इस पूरे क्षेत्र को हड़प्पाई अंचल या हड़प्पाई क्षेत्र, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को हड़प्पाई अंचल या हड़प्पाई क्षेत्र, क्लियर सभी को ना। तो हम बात कर रहे हैं इस समय हम एक थोड़ा सा कालखंड के बारे में भी, कि हम मोटे तौर पे 2600 से 1900 बीसी ये कालखंड है इसका। इसके पहले वो 2500 से भी आप 1900-1800 कह सकते हो, उसे थोड़ा 150 आगे पीछे होता रहता है, उससे पहले वहां पे एकाएक कोई शहरी सभ्यता भी नहीं होती है। हो सकता है उससे 100-200 साल पहले वहां धीरे धीरे एक शहरी संस्कृति इवॉल्व कर रही हो। तो जैसे जैसे अनुसंधान होता है ना, उसके छोटे छोटे वर्गीकरण होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक रहमान ढेरी करके इलाका है, 2600 से पहले वहां शहरीकरण के सारे साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। रहमान ढेरी करके पाकिस्तान में एक जगह है, वहां 2600 से पहले ही, बहुत पहले शहरीकरण के साक्ष्य, ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है, बट आप ये ध्यान रखिएगा, दूसरा हो गया कालखंड को लेकर के, यहां
ये अवधि मानी गई है मोटे तौर पे। तीसरा लिखा भौगोलिक विस्तार के बारे में, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अच्छा आप सबने शायद किताब में पढ़ी भी हो कि जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो हड़प्पा के बारे में पता चला है ना, उस समय लोग उसका ईंट भी यूज कर रहे थे, पहले से भी आसपास के लोगों ने भी ईंटों का खूब यूज किया है वहां पे, ठीक है। जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था पता चला कि अच्छा कुछ ऐसा भी है इसमें, ठीक है। और धीरे धीरे है ना, क्योंकि गुलामी के दौर में पता चला था अंग्रेजों ने सबसे पहले, ठीक है, इस बात की जानकारी ली, तो इतनी विकसित सभ्यता भला हमारी कैसे हो सकती है। तो अंग्रेजों ने तभी कहा था 47 के पहले जो उन्होंने अनुसंधान शुरू किया, ये तो बाहर के लोगों ने आके भारत में, अच्छा तो वही होगा जो बाहर से आके करेंगे, यहां के लोग कर ही नहीं सकते। उनको अपने शासन को भी जस्टिफाई करना होता ना था, तो ये आर्गुमेंट तब शुरू हुआ कि बाहर के लोगों ने शायद इस सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले की सभ्यता थी, वहां से ये आर्गुमेंट उभर कर आना शुरू हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब देखा गया, जब देश स्वतंत्र हुआ, अनुसंधान बढ़ते लगे आगे, तो देखा गया कहीं पर भी सभ्यता, शहरी सभ्यता का विकास हुआ है ऐसे, तो वो स्थानीय लोगों के पुरुषार्थ, उन्नत जीवन जीने की जिजीविषा, उन सब का परिणाम होता है। व्यापारिक संपर्क वगैरह से क्या होता है, उसको गति मिलती है। हम ज्ञान का आदान प्रदान भी करते हैं, सीखते भी हैं, हम भी कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं, कहीं आते जाते तो सीखते हैं ना। उस दौर में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन विकास होता है स्थानीय विकास की प्रक्रिया के कारण कहीं पर भी। इसलिए ऐसा अब नहीं माना जाता कि बाहर से लोग आएंगे और सभ्यता को, पहले पहले यह माना गया 47 के पहले, मोटे तौर पर अंग्रेजों का यह मानना था। भौगोलिक विस्तार में हम लिखे, आप जरा एरिया वाइज नाम लिख लेंगे, आप अफगानिस्तान में कुछ नाम लिख लें, आप अफगानिस्तान में भी इसके हमें लिखें, आप एक जगह है शोर्तघोई, सारे साइट्स आपको मैप पे तो नहीं दिखेंगे, मतलब जो दोनों एनसीईआरटी है, अफगानिस्तान रहने दीजिएगा, आप एक आइडिया रखिएगा शोर्तघोई है ना। इसके बारे में दो पॉइंट लिख लें, एक तो यहां से नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरों के अवशेष, और एक बहुत कीमती पत्थर है, उसे लाजवर्द मणि कहा गया है, लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये, ठीक है, शोर्तघोई। और लिख लें आप जरा, एक जगह है बदखशा और एक है मुंडीगक अफगानिस्तान में, शोर्तघोई, बदखशा, मुंडीगक। आपको मैप भी एक बार देखना है आर्य शर्मा या छठी वाली किताब में, जितने स्थल हो वही देखिएगा, एरिया याद रखिएगा, हाँ ये अफगानिस्तान में है, सभ्यता का प्रसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तीनों जगह था, ठीक है। पाकिस्तान लिखें आप जरा, पाकिस्तान में लिखें पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, ठीक है, जहां हमने बताया जो पाकिस्तानी पंजाब है, ठीक है, वहां हड़प्पा, जहां से पहली बार उत्खनन शुरू हुआ था, ठीक है। आगे लिखिए आप सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चानहू दड़ो, मोहनजोदड़ो, चानहू दड़ो, सारे नाम किताब में हैं, इसलिए आप अमरी कोट दीजी,
अमरी कूट दीजिए इत्यादि। ठीक है, एक और लिख लो आप, पाकिस्तान में ही अगला पॉइंट लिखो, पाकिस्तान के दक्षिणी पाकिस्तान के मकरान तट पर दक्षिणी पाकिस्तान के मकरान तट पर सुतका जंडोर सुतका कोह सुतका जंडोर सुतका कोह बालाकोट बालाकोट ठीक है, ये जो पाकिस्तान का तटवर्ती इलाका है यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एरिया जो है आपका, ठीक है, ये हो गए पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल। अफगानिस्तान में भी मिले हैं हड़प्पा, 2600 से 1900 बीसी के स्थल हैं। ठीक है, एक जैसे फीचर वाले पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से भी हमें इसकी जानकारी हमें मिल रही है। भारत में लिखे अब आप, भारत में लिखे आप पहले, पंजाब में रोपड़, पंजाब में एक जगह है रोपड़, इंपॉर्टेंट है ये काफी, और भी है बारा है संघोल ऐसे करके, बट रोपड़ ही नाम थोड़ा प्रमुख है उसमें। पंजाब के बाद आप लिखो जरा गुजरात में, लिखो कच्छ क्षेत्र में, जो ऊपर वाला इलाका है, है ना, कच्छ क्षेत्र में सुरकोतदा सुरकोतदा कौमा धौलावीरा सुरकोतदा कौमा धौलावीरा। ठीक है, नीचे जो इलाका आपका जो एक और यूसेफ का बनता है, कठियावार क्षेत्र में लिखे आप, कठियावार क्षेत्र में लोथल, बहुत फेमस जगह है लोथल, रंगपुर रोजदी रोजडी द है रोजदी कौमा देके लिखेंगे एक और, प्रभास पाटन सोमनाथ वाला जो इलाका है, प्रभास पाटन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे नाम सबसे आपको याद रखने हैं, किताब में देखिएगा मैप पे पढ़ते के दौरान, अभी मैं चर्चा के दौरान बता दूंगा इसमें पांच छह कौन महत्वपूर्ण है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, महाराष्ट्र में लिख लें आप दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद, हरियाणा में लिखो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कौमा बनावली, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का जो साइट है राखी गढ़ी और बनावली, बहुत सारे यहां से अनुसंधान न्यूज में भी हर एक साल कुछ ना कुछ नए कारणों से न्यूज में आ जाता है, तो मैगजीन में लगभग 3 साल से तो हम लोग कवर करते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ राखी गढ़ी में, एकदम से ब्लास्ट होगा कि भाई ये चीजें मिली हैं, वो करंट का हिस्सा होता है। ठीक है, उसे हम देखते भी हैं उस तरह से। राजस्थान में लिखो आप कालीबंगा, राजस्थान में लिखो कालीबंगा, ठीक है, और जम्मू में लिखें आप मांदा,
जम्मू में मांदा, और उत्तर प्रदेश में लिख लें आप आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पूर्व की तरफ यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास का इलाका हो गया आलमगीरपुर, दक्षिण में गुजरात या महाराष्ट्र, इधर मांडा हो गया आपका, इधर सुतका जंडोर, सुतका को एकदम पश्चिम के देखें, उत्तर पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान। बहुत बड़े भूभाग पे सभ्यता का प्रसार रहा है। आर्य शर्मा लिखते हैं लगभग 2800 स्थलों की जानकारी मिल चुकी है हड़प्पा से जुड़े हुए, और उत्खनन भी 5% से कम पे ही हुआ है अभी तक। जिसमें कुछ बड़े शहर हैं जिसमें अभी हमने बताया आपको, अभी बातचीत के क्रम में भी आपको लग जाएगा, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लूथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये 7-8 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसके इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने क्या अगली बात करी, भौगोलिक विस्तार के बारे में, नामकरण हड़प्पा कहते हैं, कालखंड एक परिपक्व अवस्था, उससे पहले भी उस क्षेत्र में लोग रहते थे, गुजरात हरियाणा इस वाले इलाके में, उसके बाद भी लोग रहते थे बट शहरी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं उसके बाद, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है, भौगोलिक विस्तार, एक आइडिया मोटे तौर पे कि कहां कहां से हमें क्या मिल रहा है ना, ठीक है। आगे लिखें आप जरा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में लिखें, प्रारंभ में यह धारणा प्रचलित थी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया, ठीक है। एक मोटे तौर पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये सब बहुत मिलेगा आपको, दामोदर धर्मानंद को स्वामी ने ये बोला, मार्टिमर व्हीलर ने ये बोला, जॉन मार्शल ने ये कहा, अर्नेस्ट मैके ने ये, मतलब ऐसे नाम बहुत मिलेंगे, कोई उसको हटा दीजिएगा आप, उसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका लिमिट नहीं हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, उसमें ट्रैप ही नहीं होना है हमें, ठीक है। यूपीएससी ने वैसे सवाल पूछती है, पीसीएस वगैरह में कभी कभी कहीं हो सकता है पूछे गए हो, मुझे ध्यान नहीं है, इट मे बी। तो पीसीएस के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी इतनी होती है ना कि आप उसके पेपर को बना जाइए आप जो पूछे गए हैं, यदि 20 साल के पेपर को बना लेंगे आप तो कमोबेश चीजों को कवर कर लेंगे आप, इतना ही ऐड करना होता है इसमें। एक तो ये बात हो, विकास कैसे मिल गया, हालांकि आधुनिक शोधों में दोनों सभ्यताओं के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर को आधार मानते हुए इसे महत्व नहीं दिया जाता है, अंतर को आधार मानते हुए इसे महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे दोनों की लिपि में अंतर, दोनों की लिपि, कौमा, नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, इत्यादि बहुत सारे अंतर हैं जिनका मेंस होता है उनको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अंतर, छोटी छोटी बातें बतानी, जिनका पेपर है जिनको नहीं है तो बस
क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मकसद से मेंस में तो कभी आएगा ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव के मकसद से कि भाई क्या मत दृष्टिकोण पता हो हमें, एक होता ना टॉपिक पे पूरी समझ होनी चाहिए हमारी, वो वाली बात होती है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्टिव में हमें जी इसमें। तो जैसे अब लिपि का ही अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है अपने आप में, वहां से बेहतर टाउन प्लानिंग उन्होंने यहां पे क्यों किया, पक्की ईंटों का कोई तुलना ही नहीं, हमने ज्यादा यूज किया है। ठीक है, आप देखोगे जो जल निकासी व्यवस्था उनसे बहुत बेहतर है यहां की, खान पान में भी बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, खान पान में भी बहुत सारे अंतर हैं, पशु पक्षियों में भी, चलो तो अंतर प्रकृति के जगह के कारण भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे अंतर हैं जिन अंतरों के आधार पर एक तो महत्व तो नहीं दिया जाता है। लेकिन यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के संपर्क से शहरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली होगी। ठीक है, यह माना जाता है, मतलब कहीं पे भी ना जब संपर्क करते हैं ना, हम आते जाते हैं, हमसे कोई सीखता है हम उससे सीखते हैं, ऐसे करके आदान प्रदान होता रहता है, समझ वाली बात है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आगे लिखें आप, साथ ही स्थानीय संस्कृतियों जैसे मेहरगढ़, या बलूचिस्तान, मेहरगढ़ या बलूचिस्तान, कालीबंगा, इत्यादि से या इत्यादि संस्कृतियों के विकास का परिणाम माना जाता है। ठीक है, विकास का परिणाम माना जाता है। ठीक है, इत्यादि संस्कृतियों के विकास का परिणाम माना जाता है। देखें, साथ ही यह भी कि मेसोपोटामियाई संपर्क से शहरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली होगी। मेसोपोटामियाई संपर्क से शहरीकरण की प्रक्रिया को गति मिली होगी। ठीक, तो कभी जैसे ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो मानना है स्थानीय संस्कृति के विकास का परिणाम, यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए तो उसको यस करना, यह स्वीकार्य मत है, इसमें विवाद नहीं है। ठीक है, अब चूंकि देखो दो बात है, एक तो है कि लड़प्पा की लिपि ही पढ़ी नहीं गई है, उसकी बात कर लेंगे हम समाज के दौरान, है ना, तो हम दावे से कैसे कह सकते हैं कि उस समय की राजनीति कैसी रही होगी, उत्खनन भी बहुत कम हुआ है। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई ना कोई केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, जैसे एक ही जैसा टाउन प्लानिंग है बहुत जगहों पर, अंतर भी है लेकिन एकरूपता बहुत है। एक ही जैसा टाउन प्लानिंग है लेकिन एकरूपता बहुत है। बीच में गायब हो जाते हो, हैं? गायब नहीं होते, ठीक है। तो एकरूपता बहुत है। अब जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन हैं, पक्की ईंटों का है, मापने की कोई चीज है, तौलने की कोई चीज है, इतने सारे जो 100, 500, 1000 किलोमीटर दूर है, उस वहां पे भी इस तरह की यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती है? कोई मानक को निर्धारित करने वाला कोई तो व्यवस्था रही होगी, हमें नहीं पता मतलब किस तरह की व्यवस्था रही होगी, है ना। एक जैसे लिपि है हर जगह, मतलब ठीक है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ व्यवस्था रही होगी, बट क्या पता नहीं। तो एक माना जाता है केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, एक माना जाता है कि नगर प्रशासन जैसी कोई चीज रही होगी, और कहीं ना कहीं व्यापारियों का समाज में बहुत महत्व। राजनीति के बारे में तीन निष्कर्ष निकाले जाते हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, लिख लें आप जरा।
राजनीति संबंधी निष्कर्ष राजनीति संबंधी निष्कर्ष पहला पॉइंट लिखा केंद्रीकृत व्यवस्था का अनुमान केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है ठीक है केंद्रीकृत व्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। असल में क्या यहां पे ना कुछ खास किस्म की आवाज आती रहती है यहाँ पे ना पानी का शायद ऊपर से पानी गिरता हो इसी वगैरह का तो मुझे लगता है वो है हाँ? तुम भी वहीं बैठते हो पता क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ देखो गुड़ियों को भी हमने देखा कल वहां बैठी तो वो भाग के वहां चली गई है। अच्छा लेट हो गए थे तुम देखो कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं अच्छा इससे क्या कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा ना बार बार देखो शोर के बावजूद पढ़ रहे हो तुम ठीक है ना शोर को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है हमारी नहीं बढ़ती है मजा नहीं शोर भी और फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम। पहला निष्कर्ष लिखा आपने इसका बेसिस क्या हमने बताया आपको ये आगे पढ़ भी लेंगे हम। एक जैसे शहरों की प्लानिंग पक्की ईंटों का नालियों की व्यवस्था अनाज संग्रह की व्यवस्था मापतौल की व्यवस्था बर्तन मन के मुहर इन एक रूपता के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। एक दूसरा पॉइंट लिखे निष्कर्ष में ही नगर प्रशासन के अस्तित्व का अनुमान भी नगर प्रशासन के अस्तित्व का अनुमान भी ठीक है क्योंकि कोई भी नहर बहुत नगर बहुत ऑर्गेनाइज हो इसका मतलब कोई ना कोई इसको देखने के लिए अलग से व्यवस्था रही होगी ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखें प्रशासन में या समाज में व्यापारियों का विशेष महत्व रहा होगा प्रशासन में या समाज में व्यापारियों का विशेष महत्व रहा होगा ठीक है। जैसे 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी एक जैसी वस्तुएं मिल रही हैं तो कोई रेगुलेट करता होगा कोई ले आता ले जाता होगा बाकी लोकतंत्र था कि राजतंत्र था कि सैन्य तंत्र था कौन सा तंत्र था पता नहीं कौन सी राजधानी थी कुछ भी दावे से हम नहीं कह सकते इसलिए उसमें जाना ही नहीं है। क्लियर सभी को? तो हम लोगों ने अभी चर्चा हड़प्पा की शुरुआत में कुछ सामान्य बातें हड़प्पा के बारे में एक तो कालखंड से संबंधित अंडरस्टैंडिंग दी आपको ठीक है और दूसरा हमने अभी जो बताया आपको एक तो नामकरण कालखंड भौगोलिक विस्तार उदय और राजनीति ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अर्थव्यवस्था समाज कला धर्म और पतन की बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद साफ। तो हम लोग फिर एक बार बात करते हैं हड़प्पा के ऊपर है ना और अभी चर्चा हुई जो सामान्य जानकारी थी हड़प्पा के बारे में वो बताया कुछ मैंने आपको। अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में सोसाइटी के बारे में। अभी पूरी एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में हमें इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों पढ़ना है अलग अलग टॉपिक में भी हर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं ये मीन्स में लिखना भी पड़ सकता है आपको ठीक है। इसलिए एक स्ट्रक्चर छोटा सा है इकोनॉमी के बारे में पहले अर्थव्यवस्था पे आप कृषि की बात हमें करनी है शुरू में तो पशुपालन की भी बात थोड़ी बहुत होगी बट आगे चल करके इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं होनी कृषि पशुपालन की। जैसे हम कहें ना हड़प्पाई अर्थव्यवस्था तो हम उसमें कृषि के बारे में कुछ बताएं पशुपालन के बारे में बताएं है ना ऐसे हम लेकर चलें। शिल्पों की बात होगी अलग अलग क्राफ्ट की हड़प्पा जाना भी जाता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये जब हम शिल्प की चर्चा करेंगे हम ठीक है। और
इसी में हम व्यापार की भी बात करेंगे, व्यापार के साथ ही परिवहन की बात हो जाएगी, सिक्कों की बात करेंगे हम, क्वाइंस या विनिमय, और शहर की भी बात होगी। ठीक है, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, परिवहन, ये व्यापार और परिवहन की बात कर रहे हैं हम, सिक्कों के बारे में या एक्सचेंज के बारे में, और शहर के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो हम पढ़ते हैं। जैसे ना हड़प्पन इकोनॉमी आपको कभी लिखने के लिए कहा जाए, इन पे ही दो दो चार चार लाइन आपको लिखने पड़ेंगे। मौर्य काल आपने नहीं पढ़ा, कहा जाए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तब भी आप इन्हीं बिंदुओं पे आपको बात करनी है। ठीक है, ऐसे ना 8-10 स्ट्रक्चर पूरे बनेंगे, जैसे चित्रकला का बताया मैंने भी आपको, अब इकोनॉमी का। ये स्ट्रक्चर मेंस के लिए बहुत यूजफुल है, कभी साहित्य का बताऊंगा मैं आपको। समझ में आ रही बात सभी को ना, स्ट्रक्चर को संभाल के रखना है। इंफॉर्मेशन तो थोड़े आते जाते रहते हैं, कभी बढ़ जाएंगे कभी घट जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान रहने से आप तुरंत फ्रेम कर पाओगे अपने आंसर को। अब वन बाय वन एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं हम इसका। ठीक है, देखिए आपसे ना कृषि के बारे में, ठीक है, हड़प्पाई शहरीकरण कृषक अधिशेष के बिना संभव नहीं। हड़प्पाई शहरीकरण कृषक अधिशेष के बिना संभव नहीं। ठीक है, यानी खेती किसानी में ज्यादा उत्पादन न हो तो उसके बिना शहर में लोग कैसे रहेंगे? हम सब शहर में हैं, खाने के सामान हमें मिल जाती है, तभी तो शहर में हैं। तो हड़प्पाई क्षेत्र में आसपास के इलाकों में इतनी खेती होती होगी कि वहां से टैक्स के रूप में या व्यापार जैसे भी हो वो उत्पाद शहरों में आ जाते होंगे। हड़प्पा के लोग खुद खेती करवाने में रहे हों या ग्रामीण समाज से वो ले आते हों अनाज, देख के साफ साफ लगता है भाई वहां खेती तो होने से रही, शहरीकरण पूरा है। या हम कहाँ फसल उपजाएंगे खाने के लिए? हम लोग इस इलाके में पूरी कंक्रीट है, पत्थर बना हुआ है, पूरा का पूरा शहर है ना, तो संभव नहीं है। पहली बार यानी अधिशेष तो था तभी शहरीकरण होगा, लेकिन हालांकि कर दीजिएगा, हालांकि हड़प्पाई शहरों से भी कुछ कृषि उत्पादों के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि उत्पादों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे हड़प्पा से गेहूं, बनावली से जौ, तथा लोथल से चावल। ये तो क्लियर है कि भाई हड़प्पा के पहले भी खेती के प्रमाण है, तो ऐसा माना गया। तो शहर में भी अनाज के मतलब एकदम से अनाज को टुकड़े, उस तरह से अधजले अनाज हैं या किसी बर्तन में चिपके हुए कुछ उसकी भूसी वगैरह है, उसको देख करके माना गया कि नहीं ये सब है। इसी में लिखें कि देखो एक बात और, कि जैसे हल फाल वगैरह की बात करें हम, तो शहरों में तो मिलने से रहा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा, ग्रामीण चीजें वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। फिर भी मिट्टी के बने हुए हल फाल इत्यादि की जानकारी हमें मिल रही है। लिख लें आप जरा अगला पॉइंट, लिखिए बनावली, बनावली हरियाणा में हो गया आपका, और एक जगह है जिसका नाम लिखा नहीं था हमने, पाकिस्तान में है, चोलिस्तान, चोलिस्तान, चोल, चोलिस्तान। लिखो बनावली एवं चोलिस्तान से
मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक और लिखें आप अगला पॉइंट कि कालीबंगा से कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व चरण कर दीजिएगा, हड़प्पा पूर्व चरण से, ये यूपीएससी में पूछा भी है पहले एक दो बार, हड़प्पा पूर्व चरण से हल रेखा के साक्ष्य, हड़प्पा पूर्व चरण से हल रेखा के साक्ष्य। ठीक है, जो हल रेखा होती है उसके भी एविडेंस मिल रहे हैं, कैसे सुरक्षित रह गया होगा मैं बता नहीं पाऊंगा इसको भाई, बट यूपीएससी पूछ भी चुकी है इसको। क्या करते हैं, जैसे यूपीएससी में पहले कुछ सवाल पूछे गए, एक तरफ चार शहरों के नाम होंगे और दूसरी तरफ उसको मिलाने के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे मिट्टी के हल, इधर एक शहर का नाम होगा, ऐसे करके उसको मैच करिए आप। ये क्वेश्चन आ चुका है, इन सब से पता चलता है शहरों से भी कि खेती का ज्ञान तो काफी विकसित रहा ही होगा उस समय। एक और पॉइंट लिखो आप, जैसे सिंचाई के बारे में जान लो आप, जैसे खेती है तो सिंचाई भी होती ही होगी। आर्य शर्मा कहते हैं कि एक फसल का उत्पादन करते होंगे, जब बाढ़ आती होगी तो फिर तो फसल गई, बाढ़ के उतर जाने के बाद वो फसल बोते होंगे और फिर ऐसा अनुमान लगाते हैं वो। ठीक है, और कभी भी सिंचाई में जैसे बारिश का जो पानी होता है उसका अपना हमेशा से एक रोल है, बाढ़ आ गई तो उससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ी जाती है, कम से कम एक फसल जाता भी तो उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, अपने साथ बहुत सारे वो पोषक तत्वों को लेकर के भी आती है बाढ़, है ना। लोग सिंचाई करते थे नहीं करते थे, लोग अपने मैन मेड सिस्टम के बारे में कहना, कहीं कहीं से नहरों के बांध वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं, बट कृत्रिम सिंचाई बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं रही होगी। लिखो आप जरा यहां पे, प्राकृतिक सिंचाई प्राकृतिक तरीके से सिंचाई लोकप्रिय रही होगी। हालांकि धौलावीरा में विकसित जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है, विकसित जल प्रबंधन, एक मतलब धौलावीरा में क्या जलाशय बहुत मिला है, पत्थरों का बना हुआ है पानी को स्टोर करने के लिए, है ना। तो जैसे मान लो शहर के अंदर है तो वो ज्ञान यहां से 50 किलोमीटर दूर भी जा सकता है, कहीं खेती होती होगी तो, पर ग्रामीण क्षेत्रों के एविडेंस तो मिलने से रहे हमें। ठीक है, दूर भी जा सकता है, तो विकसित जल प्रबंधन इसी में लिखें, कुछ एक शहरों से नहरों एवं बांधों के भी साक्ष्य, नहरों जैसे हमने बताया सुरतघुई थोड़ी देर पहले, कुछ एक शहरों से नहर एवं बांधों के भी साक्ष्य। ठीक है, नहर एवं बांधों के भी साक्ष्य, करेक्ट, ऐसा अनुमान है मोटे तौर पे। तो ये हमने भी ले लिया कि भाई कृषि से संबंधित जानकारी, क्लियर सभी को, हम इंफॉर्मेशन भी साथ ही लेते हुए चल रहे हैं। राइटिंग में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना, पहले भी सिखा चुका हूं मैं आपको, यदि इंफॉर्मेशन कहीं एग्जाम्पल दो तीन कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं पीटी के मकसद से कर रहा हूं, मेंस में एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त होता है कोई सा भी। जैसे हमने कहा बनावली और चोलिस्तान, ठीक है, तो पीटी के मकसद से दोनों मैंने बताया आपको, अदरवाइज कोई भी देता कि मिट्टी के हल मिले हैं, है ना, बस वो भी काफी था, नहीं भी दें बनावली चोलिस्तान तो। तो ये इंफॉर्मेशन, अब क्या होता है इंफॉर्मेशन हड़प्पा में भी ज्यादातर लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे बनावली तो पढ़ते चले जाएंगे वहां क्या क्या मिला, तो हमने पढ़ तो लिया बट हम उसका यूज कैसे करेंगे फिर हम, तो प्रारंभिक परीक्षा में चीजों को याद अलग तरीके से करते हैं, उसे यूज ही नहीं कर पाते हम। उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम, जैसे इकोनॉमी सोसाइटी कला, उससे क्या होता है घटनाएं डेवलपमेंट को समझने में भी हेल्प कर देती है इंफॉर्मेशन,
मेंस में भी काम आ जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन, संदर्भ होते ही थोड़ा बेहतर तरीके से। या जैसे आप सोचोगे ना हड़प्पा ही कृषि, कुछ फसलों का ज्ञान, हल रेखा का ज्ञान, हल के प्रमाण, सिंचाई, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या हमें याद आया कि नहीं आया, हमने क्या पढ़ा था, नहीं आया कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो रहेगा साथ। यस, सबसे पीछे से आवाज नहीं आई भाई, लास्ट में तीन लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, नटखट हो तुम, हाँ ठीक है। आगे लिखे आपसे कृषि के बाद पशुपालन, ऐसे लिख लिया आप, कुत्ता बिल्ली थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप, क्या करिएगा, है ना, भेड़ बकरी गाय, भेड़ बकरी गाय इत्यादि पालतू पशुओं की जानकारी। अब देखो जानकारी का आधार क्या होता है, एक तो आधार हो गया हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है, और एक आधार हो गया मुहर बने हुए हैं, सील। जैसे लोग मुहर बनाते हैं अपना ना, मुहर आपका भी मुहर होगा जब अधिकारी बनेंगे आप, ठीक है, भारत सरकार वाला वो रहेगा, उस पर पैड होगा, लेटर पैड, जिसमें तीन स्तंभ लगे हुए रहेंगे, है ना, ठीक है, वो अलग ही उसका एक ऑरा होता है, और ठीक है, प्लस एक भाई सील लगा दिया आपने, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मिट्टी के मुहर मिले हैं, मिट्टी के तो कम, मतलब पत्थर के मुहर मिल रहे हैं जिसमें बहुत सारे पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं। और ये तो बस एक साइंटिफिक तरीके से एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो ये सब पालतू पशु रहे होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे जंगली पशुओं की भी जानकारी हमें मिलती है, बाघ के बारे में, ठीक है, शेर के बारे में, उन सब की भी आकृतियां हमें, एक यूनिकॉर्न है, बड़ा यूनिक सा है, मतलब एक सिंह वाले एक जानवर, ऊंट की हड्डियां मिल रही हैं, बारह सिंगे की हड्डियां मिल रही हैं, बहुत सारे पशुओं के बारे में जानकारी। तो पॉसिबल नहीं कि हम सबके बारे में याद रखें, हम कैमल राजस्थान से ही मिलेगा, बारह सिंगा हो गया, बट वो जो यूनिकॉर्न है ना एक सिंह वाला, उसको कोई मिथकीय पशु, मतलब माइथोलॉजिकल कुछ उसका इंपॉर्टेंस रहा होगा माना गया है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि क्या उसका रहा होगा, कुछ हो सकता है धार्मिक महत्व रहा हो, काल्पनिक रहा हो, या वैसे पशु भी होते हो, तो कुछ पालतू पशु है ना। अब विवाद कहां फंसता है, घोड़े को लेकर के, जहां कोई जैसे घोड़े के बारे में ज्ञान था या नहीं। असल में एक समस्या ये है कि भारत में इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि जो आर्य थे, मतलब जो वैदिक लोग थे, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता, उनकी ही हड़प्पा सभ्यता रही है, एक इस पे अनुसंधान पे बल चलता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, सरकार चल भी रही है, ठीक है ना, और एक चलता है कि नहीं ऐसा नहीं था, मार्क्सवादी ज्यादातर जो है, मतलब हालांकि यूपीएससी ने दो तीन साल पहले, चार साल पहले जो प्रश्न पूछा, यूपीएससी भी यही मानती कि घोड़ों का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पढ़ने से ना ये सब भी आइडिया लगता है कि यूपीएससी क्या मानती है। अब इस पे एक डिबेट आ जाता है कि कहीं मिट्टी की कुछ मूर्तिकाएं मिल रही हैं, कुछ संदेहास्पद हड्डियां मिली हैं पहचान शायद घोड़ों के, बट ऐसा माना जाता है कि घोड़ों का ज्ञान इन्हें नहीं था, या घोड़ों से परिचय इनका नहीं था। हालांकि ये मानने की रीजन नहीं है, जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं संपर्क तो रहा ही होगा, यदि घोड़े होंगे तो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई घोड़े को देखा ही नहीं होगा इन लोगों ने, है ना, बट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये डिबेट एक ना हिस्टोरिकल, एक पूरा दृष्टिकोण बदलने वाला डिबेट हो जाता है। तो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा उसके ऊपर कि चार स्टेटमेंट उसमें घोड़े का ज्ञान था या नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था, उसमें ना मारना ही है, और वही उसका आंसर भी था। तो पशुपालन में एक सामान्य बात हो गई, खेती के साथ पशुपालन होना ही होना है, पशु शहर में भी मिल जाएंगे आपको, खाद्य पदार्थ के रूप में भी पशुओं का महत्व है, खूब सारी हड्डियां मिल रही हैं, मछली की हड्डियां बड़ी सारी मिली हैं, अलग अलग जानवरों की, मांसाहारी भी थे हड़प्पाई लोग, है ना। इसी में लिखे आप एक और पॉइंट, हड़प्पा वासी
घोड़े से परिचित थे या नहीं इसको लेकर संदेह है। इसको लेकर संदेह है। देखें लूथल से एक मिट्टी की मूर्तिका मिली है, मिट्टी की मूर्तिका मिली है तथा कुछ अन्य स्थलों से भी संदेहास्पद साक्ष्य, संदेहास्पद साक्ष्य इसे में लिख लें आप। ऐसा माना जाता है कि घोड़ों से हड़प्पा वासियों का परिचय नहीं था। ठीक है, परिचय नहीं था। इसके बाद लिखे शिल्प। शहर में क्या होता है, गैर कृषि गतिविधियां बहुत होती हैं, तो उसमें शिल्प मतलब बहुत सारी चीजों का जो उत्पादन होता है और उसका व्यापार, शिल्प और व्यापार दो महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। बड़ी संख्या में शिल्पों के साक्ष्य मिलेंगे आपको। देखिए आप, बड़ी संख्या में शिल्पों के साक्ष्य, और पॉइंट मिलकर चलिएगा आप, देखिए आप जैसे धातु के बर्तन, उपकरण, आभूषण, ठीक है, धातु के बर्तन, उपकरण, आभूषण इत्यादि कर दीजिए आप। यहां नोट करके लिख लें आप, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इत्यादि का ज्ञान, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, है ना, टीन भी कर लीजिए आप, इत्यादि का ज्ञान लोहे का ज्ञान नहीं, या लोहे के साक्ष्य नहीं। ये जो लोहा है ना, इसको लेके कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शंस वगैरह ऐसे बनाए जाएंगे कि लोहे का ज्ञान था, या सोने की कुछ बर्तन मिल रही है, चांदी की कुछ मुकुट वगैरह बर्तन मिले हैं, कांसा बन रहा है तो तांबा और टिन का ज्ञान है तभी कांसा बन रहा है, और हड़प्पावासी पहले माने गए हैं जिन्होंने कांसे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में। हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, नदी घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, है ना। तो धातु से बने हुए, तो आभूषण तो बड़ी संख्या में मिलेंगे आपको, मिट्टी के भी मिलेंगे, पत्थर के भी मिलेंगे, धातु के भी मिलेंगे। भाई क्रेज तो ऐसा था कि हड्डियों के भी आभूषण बनते थे, जानवरों के हड्डियों के। कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं, इसमें स्वीकृति भी है, सहमति भी है, जितने तरह के आभूषण आज प्रयोग किए जाते हैं समाज में, लगभग हर टाइप के आभूषण उस दौर में भी प्रचलन में थे। ठीक है, यहां तक कि चांदरों से लिपस्टिक जैसे भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, चांदरों से उसके भी एविडेंसेस की बात की, भाई काजल के एविडेंसेस, मतलब तमाम तरह की चीजों के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो धातु हो गया आपका एक, शिल्प हो गया आपका दूसरा, लिखे आप देखिए आप, एक अनुपात में या एक आकार के
पक्की ईंटों का निर्माण कालीबंगा के हर शहर में पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा कहने से हड़प्पा के प्रत्येक शहर में, कालीबंगा एक ऐसा शहर है जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। हर जगह पक्की ईंटों की संख्या ज्यादा दिखेगी आपको, और उसका भी एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का है, 4:2:1 का रेशियो है। आप कहीं चले जाएं, आप पाकिस्तान का कोई शहर हो, गुजरात का कोई शहर हो, आलमगीरपुर हो उत्तर प्रदेश में, वहां भी उसी शेप के ईंट मिलेंगे आपको। तो कितना पॉपुलर रहा होगा ये शिल्प, ये ज्ञान, कैसे इसका मतलब है उपयोगिता। कोई भी ज्ञान जो समाज के लिए उपयोगी हो, आदान प्रदान तो हो ही जाता है। बहुत लोकप्रिय शिल्प में रहा होगा पक्की ईंटों का निर्माण। ईंटों को पकाने के लिए आप कुछ ना कुछ उसके लिए आप फ्यूल का तो यूज करेंगे, आप संसाधन का यूज करेंगे आप, और ऑब्वियस है उस समय के हिसाब से देख के तो लग रहा है कि भाई कोयले वगैरह का यूज तो होता नहीं होगा, लकड़ी का ही यूज हुआ होगा। तो जब बड़े पैमाने पे यूज है तो आसपास के जितने भी वन संसाधन है उसका खूब उपयोग जलाने के लिए, जलावन का सबसे बड़ा स्रोत वही रहा होगा। आप भोजन पकाइए या कुछ भी करिए आप, है ना, ठीक है। तो वो एक समस्या रही होगी, आसपास जंगल सब समाप्त हो गए होंगे, बड़े पैमाने में दूर दराज में भी यूज कर लिया होगा लोगों ने। कहते हैं ना कि पर्यावरण, प्रकृति तो खुद ही बदलाव करती रहती है, और हम कुछ करते हैं तो बदलाव तो करेगी करेगी आज न कल वो, ठीक है। ईश्वर करे अब हम लोग के जीवन काल में कोरोना जैसी कोई चीज दोबारा ना आए, ठीक है। मतलब अदरवाइज कोई फिर बड़ा बदलाव प्रकृति, पुतिन तो जो करना है कर ही रहे हैं, पुतिन को जो बदलाव करना हो कर रहे, हम करें प्रकृति ना बदलाव कुछ करें, है ना। तो अपने यहाँ फुर्सत में इतने लोग हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे भी खूब चलता है। अभी कोई डायलॉग है उसमें शायद पिक्चर में झुकेगा नहीं, है ना, पुष्पा जो है, अब किसी ने लिखा पुष्पा और पुतिन झुकेगा नहीं, ठीक है, पुष्पा और पुतिन जो है झुकेगा नहीं, है ना। अगला पॉइंट लिखिए आप, कपड़ों के साक्ष, जैसे मोहनजोदड़ो से इसी में लिखें आप, पत्थर की एक मूर्ति से कढ़ाई वाले चादर का प्रमाण, कढ़ाई वाले चादर फूल वगैरह बने हुए, उसमें 3 पत्तियां बनी हुई हैं बेसिकली, ठीक है। वो मूर्ति आपको मिल जाएगी, किताब में तस्वीर है उसके, है ना। मोहनजोदड़ो से कुछ इसका टुकड़ा वगैरह भी, छाप वगैरह मिल रहे हैं, है ना, और तकली वगैरह के भी प्रमाण मिल रहे हैं। तो ऐसा माना गया कि भाई ये भी एक महत्वपूर्ण शिल्प रहा होगा, मेहरगढ़ से इसे जोड़कर देखा जाता है। तो तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे लिखें आप, हाथी दांत से संबंधित कुछ शिल्पों के साक्ष, लूथल एवं मोहनजोदड़ो से। जैसे कंघियां मिल रही हैं, मापने का कुछ कंघी मिल रही है जैसे हाथी दांत का, तो बहुत महंगा ही रहा होगा वो कुछ, हाथी दांत वगैरह की चीजें जो समाज के जो समृद्ध लोग होंगे वही यूज करते होंगे। आगे लिखें आप, बड़ी संख्या में मन के बीड का प्रमाण, सेलखड़ी, अधिकांशतः मनके सेलखड़ी पत्थर से निर्मित, एक पत्थर है उसका थोड़ा मुलायम सा पत्थर है, मनके बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। मतलब मनका एक तरह का, मान लो इसी कोमा देकर लिख लो आप, संभवतः इसका निर्माण आभूषण एवं
पशुओं के पहचान के लिए आभूषण एवं पशुओं के पहचान के लिए ठीक है कौमारी के लिए लोथल एवं चान्हु दड़ों से लोथल एवं चान्हु दड़ों मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा होगा। लोथल एवं चान्हुदरो मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा होगा ठीक है मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा होगा। वहां से ना बड़ी संख्या में कुछ घरों से मनके के साक्ष्य मिल रहे हैं, गले में या हाथ वगैरह में पत्थरों के जो आभूषण चलते थे, कुछ ऐसे भी आभूषण हैं जिसमें मतलब बीच में एक होल सा बना हुआ जिसमें आप धागा डाल करके आप उसे पहन सकते हैं गले में, तो पशुओं के या इंसान को ठीक है मतलब ऐसा माना गया है। मनके के बाद लिखें एक बहुत फेमस शिल्प रहा है मन का ठीक है, एक लिखें आप मोहर मोहरे ठीक है सील्स मोहरे लिखें। सिलखड़ी से निर्मित सिलखड़ी से अधिकांशता कर लीजिएगा अधिकांशता सिलखड़ी से निर्मित बड़ी संख्या में मोहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। बड़ी संख्या में मोहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं ठीक है। यहां लिखे आप सर्वाधिक साक्ष्य मोहन जोदड़ों से सबसे ज्यादा जो मोहरें मिलती हैं वो मोहन जोदड़ों से मिल रही है ना ठीक है मोहन जोदड़ों से लिखें। एक और पॉइंट कॉमा देखिए मोहरों से हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई लिपि धर्म मोहरों से हड़प्पाई लिपि धर्म पशु पक्षी एवं कई अन्य पहलुओं की भी जानकारी मिलती है। कई अन्य पहलुओं की भी जानकारी मिलती है ठीक है पहलुओं की भी जानकारी मिलती है। जैसे होता है ना हड़प्पा के बारे में हम कैसे जानते हैं तो भौतिक अवशेष से जानते हैं, उसमें एक अवशेष हो गया मुहर, पर मुहरों में इतनी सारी आकृतियां बनी हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है उसको। थोड़ा और आगे भी कुछ कुछ इसके जानकारी मिलेंगे आपको। मुहरों का उपयोग किया जाता होगा किसी वस्तु वगैरह की पहचान के लिए, मुहरें जो मिली है उसके बारे में माना जाता है। वस्तुओं के पहचान में इसकी बड़ी भूमिका रहती होगी या ब्रांडिंग वगैरह में रहती होगी, भाई ये इस ब्रांड की वस्तु है ठीक है ना, जो पैकिंग वगैरह होकर जाता होगा ठीक है। मुहर आपने लिख लिया, मन का आपने लिख लिया, दो इंपॉर्टेंट हो गए शिल्प में। एक लिख लिया बर्तन के बारे में भी, देखिए लाल एवं काले रंग से निर्मित बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन के बर्तन बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बहुत तरह के बर्तन होते हैं। बर्तन का मतलब केवल एक जार जैसा नहीं या ठीक है, बहुत थाली हैं, कटोरियां हैं, मतलब तमाम तरह के बर्तन हैं है ना। तो ये भी एक लोकप्रिय शिल्प था, हर एक शहर में आपको दिख जाएगा मिट्टी के बर्तन ठीक है, हर एक शहर में आपको मिट्टी के बर्तन दिख जाएंगे। और नोट करके लिख लें आप, देखिये
पत्थर धातु, पत्थर धातु एवं मिट्टी से निर्मित बड़ी संख्या में मूर्तियों के साक्ष्य। ठीक है, बड़ी संख्या में मूर्तियों के साक्ष्य। ये मैं मूर्ति कला में आपको बताऊंगा, बट शिल्प का भी एक हिस्सा होता है। अब जैसे मेंस हम राइटिंग करेंगे तो शिल्प अलग से तो पूछेगा नहीं, इकोनॉमी मान लो पूछा, इतना हमें नहीं बताना। हम एक बता देंगे इकट्ठे कि भाई बड़ी संख्या में शिल्प प्रचलित हैं, जैसे धातु के उपकरण, बर्तन, मिट्टी के बहुत सारे शिल्प हो गए, मूर्तियां, ईंटों का निर्माण, कपड़ों का निर्माण, मोहरे, मनखे इत्यादि का निर्माण। बस बात खत्म। जो नॉर्मल इकोनॉमी पूछ रहा है तो एक आधा कोई प्रमाण हमने दे दिया कहीं पर। इतना बताने का मकसद ये है कि आप ऑब्जेक्टिव के मकसद से ही हम इसको आपको ये बाइफर्केट करके बता रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, अब अगला हिस्सा क्या है हमारा शिल्प के बाद? व्यापार, परिवहन। क्या? मिट्टी, हाँ वही मिट्टी के बर्तन है। हाँ वही है, ठीक है। पॉटरी को ही, मतलब उसको आप अपनी भाषा में कह रहे हैं। आपको हम अभी थोड़ा, जैसे मैं मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा आपको जब थोड़ा हड़प्पाई चित्रकला की बात करूंगा। बहुत सारे चित्रों के भी साक्ष्य मिले हैं, एक चालाक लोमड़ी का भी चित्र मिला है। अब सोचिए कैसे पता चलेगा कि लोमड़ी चालाक ही रही होगी वो, ठीक है, सवाल जब कोई कर दे तो, है ना। पंचतंत्र में कहानी है ना कि भाई कौवा जो है बहुत, ठीक है, तो एक पेड़ पे कौवा को बैठे हुए देखा हुआ, मुंह में कुछ लिए हुए, नीचे एक लोमड़ी को उसकी तरफ। तभी तो कहा जाता है कि भाई जैसे पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां माना जाता है कि हजारों साल से हमारे समाज में प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो हड़प्पा में भी, वो भी लोथल से मिल रहा है, 2000 2500, आज से 4500 साल पहले। हो सकता है हमने कहानियों को बाद में लिपिबद्ध किया किसी विष्णु शर्मा या किसी, पर वो कहानियां समाज में चलती रहती होंगी देश के अलग अलग हिस्सों में। मतलब जितनी अधिक से अधिक जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी ना, उतना ही अपने आप में एक आकर्षण का विषय होगा, ठीक है। तो कुछ उधर बात कर लेंगे आपसे हम। अब लिखो व्यापार के बारे में, लिखे आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की जानकारी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की जानकारी ठीक है। यहां लिख लो आंतरिक व्यापार में सोना कर्नाटक से, ऐसा संपर्क रहा होगा कि सोना कर्नाटक से, दूसरा कोई सोर्स है नहीं। कौमा देकर लिखें आप, तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान, ब्रैकेट में लिख लो, इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी कहा गया है, खेतड़ी खान, इसे लिख लो आप गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। कुछ कुछ स्थल हो, जैसे गणेश्वर एक फेमस स्थल है, आर्य शर्मा अपने जगह उल्लेख करते हैं उसका, ठीक है। इसी में लिखो टीन, अफगानिस्तान, कीमती लकड़ी जम्मू, सिलखड़ी राजस्थान एवं गुजरात, सिलखड़ी राजस्थान एवं गुजरात,
आपने लाजवर्द मनी पहले ही बता दिया अफगानिस्तान से, तो आपस में भी ट्रेड करते होंगे ये इन वस्तुओं का। देखो एक तो बहुत एस्टैब्लिश्ड है कि गांवों से शहर की तरफ व्यापार होता होगा अनाज का, किसान लेकर के आते होंगे उसे बेचते होंगे, जो भी सिस्टम रहा होगा उस पर तुम बात ही नहीं कर रहे, अंडरस्टैंडिंग है वो। ये सब वस्तुएं मिल रही हैं अलग अलग शहरों में, इसका मतलब यहां से बाकी जगहों पे उसे हड़प्पाई अंचल में आयात निर्यात होता था। बाह्य लिखो आप, बाह्य व्यापार में, एक्सटर्नल ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड में लिखो आप। देखिये मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि हड़प्पा या मेलुहा, हड़प्पा के लिए उसमें मेलुहा वर्ड यूज किया गया है, हड़प्पा या मेलुहा का संबंध लिखेंगे आप दिलमुन, हो गया आपका बहरीन, दिलमुन, मगान, ओमान हो गया आपका, फारस की खाड़ी वाला इलाका हो गया आपका। ये मेसोपोटामियाई अभिलेख से पता चलता है कि हड़प्पा का संबंध दिलमुन, मगान इत्यादि क्षेत्रों से भी था। इसे में लिखें हड़प्पाई वस्तुएं इन क्षेत्रों में मिली हैं, और मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पाई क्षेत्र में कम मिली हैं। मेसोपोटामिया की वस्तुएं हड़प्पाई क्षेत्र में, कम मिलती है, हड़प्पा की ज्यादा मिलती है, उनकी वस्तुएं कम मिलती है, शायद नष्ट हो गई होगी जो भी चीजें आती होंगी, है ना। बट व्यापार तो रहा था, ये वहां के अभिलेख को पढ़ा जा चुका है, उसमें क्लियर है कि हड़प्पा से किन किन चीजों को मंगाते थे, उन सबका उल्लेख है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार। अगला पॉइंट लिखे इसी में आप, स्थल एवं जल दोनों ही मार्गों से व्यापार, स्थल एवं जल दोनों ही मार्गों से व्यापार, कॉमा देकर लिख लेना इसमें, जल मार्ग का अधिक महत्व रहा होगा, लिख लिया आपने, अधिक महत्व रहा होगा। एग्जाम्पल लिख लें आप यहां पे, लोथल से एक डॉकयार्ड का साक्ष्य, इसकी तस्वीर मिल जाएगी छठी वाली किताब में भी आपको, बहुत ठीक है। डॉकयार्ड का साक्ष्य मतलब वो जगह जहां नाव, बंदरगाह जैसा, जहां माल उतारे और चढ़ाए जाते होंगे, पक्की ईंटों का बना हुआ, बहुत विशाल संरचना है ये। एक और लिखिए आप, कॉमा लेकर के, दैमाबाद, से कांसे के रथ, का साक्ष्य, इससे पता चलता है कि बैलगाड़ी
रथ जैसे वाहन भी मतलब सब चलते होंगे स्थल मार्ग में, और जल मार्ग में तो नौ परिवहन के साथ मिट्टी के तो नौ नौकाएं बहुत सारी मिल रही हैं, क्योंकि सारी की सारी सभ्यता शहर सब नदियों के किनारे ही तो हैं, तो व्यापार में जल मार्ग का ही अधिक महत्व तो रहा होगा। और अगला पॉइंट लिखें आप, सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी, ठीक है। एक और लिखें आप, बड़ी संख्या में शहरों के साक्ष्य, ठीक है, कॉमा लेकर लिखें, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण के साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण के साक्ष्य, ठीक है, शहरीकरण के साक्ष्य, ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब शहर का मतलब हमने क्या बताया, गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, कोई शिल्प में हो, कोई व्यापार में हो, कोई प्रशासन हो, कोई लिपिक हो, किसी भी तरह का वर्ग हो सकता है वो, शिल्प में भी बहुत सारे शिल्प से जो लोग रह रहे हैं मतलब, ठीक है, प्रशासन करने वाले वर्ग हो, है ना, कर्मचारी अधिकारी, साफ सफाई करने वाला वर्ग, हर तरह के वर्ग, खेती वाले नहीं, तो गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, वैसे प्रमाण मिलते हैं, तो प्रथम शहरीकरण, कांस्ययुगीन शहरीकरण भी कहा जाता है इसे। अब शहरों का पतन हो गया, इसके बाद बुद्ध काल में दोबारा हमें शहर मिलेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे हम टॉपिक नंबर 5 में, उसको दूसरा शहरीकरण कहा जाता है, गंगा घाटी का शहरीकरण, इसे पहला शहरीकरण माना जाता है, ठीक है। तो ये है हड़प्पाई इकोनॉमी से जुड़ी हुई कुछ बातें, क्या क्या देखा हमने, वो रिविजन कर ले हम लोग हड़प्पाई इकोनॉमी पे। पहला हमने देखा एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बिना तो संभव ही नहीं है शहरीकरण, कुछ शहरों से भी प्रमाण मिलते हैं खेती संबंधित, पशुपालन संबंधी भी प्रमाण शहरों से मिलते हैं, बट जब यहां तक सभ्यता आई नौपाषाण काल के बाद, तो पशुपालन का ज्ञान तो वैसे भी सबसे हैंडी होगा, पशुओं की देखो ना कितनी उपयोगिता है, परिवहन में उपयोगिता है, खाद्यान्न के रूप में उपयोगिता है, दूध के रूप में उपयोगिता है, मांस के रूप में उपयोगिता है, मतलब मांस कह लो दूध कह लो हर तरह की उपयोगिता है उनकी, तो पशुपालन तो है ही एक बहुत बड़ा आधार, आज भी आधार है। जिनके छोटे मोटे खेत होते हैं गांव में देखोगे, या जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं, वो फिर भी पशुपालन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वो एक आय का भी जरिया है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी समाज में देखोगे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहता है, एक अच्छी बात है कि बहुत चांसेस होते हैं कि उन्हें बेहतर दूध मिल जाए कम से कम, और दूध बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, तो उनके हेल्थ जो बेहतर एक होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा आधार होता है अच्छे जगह रहना, और कुछ खान पान की चीजें बेहतर होती हैं, शहरों में सुविधाएं बहुत होती हैं, बट जब हम गुणवत्ता की बात करेंगे हम, तो अब ऐसा तो कोई पैमाना है नहीं अपने यहाँ बहुत, फिर भी गुणवत्ता में बहुत फर्क पड़ जाता है, शहरों में सुविधाएं बहुत होती हैं, हमसे ध्यान रखिएगा। पशुपालन हो गया, बहुत सारे शिल्पों की बात की, शिल्पों में इंफॉर्मेशन भी दिया हमने, जैसे लोहे का ज्ञान था क्या, नहीं था ना, ठीक है, और अलग अलग शिल्पों की हमने बात की, मोहरों की, मनकों की, मनका बनाने का कारखाना कहाँ था तो हमने बताया आपको, ठीक है, और किस पत्थर वगैरह से बनते थे, इन सब की बात, हाँ बोलिए, अलग हो जाएंगे दिस, नहीं आप जैसे आपके पॉकेट में पैसे सिक्के होंगे, और जब आप आईएएस बनेंगे तो आपके पास एक मुहर होगा जो आप उस पर स्टैंप करेंगे, आप
मोहरों को पैसे के रूप में कैसे यूज करोगे तुम? अच्छा उसकी बात करो, मैं सील की बात कर रहा हूं इसलिए इंग्लिश में कह रहा हूं। जो मोहरे थे ना वो मध्यकाल में वो वर्ड था, वो असरफियां मोहरे, ठीक है। ये मैं सील की बात कर रहा हूं आपसे, मैं सील, ठीक है, उस सेंस में मैं कह रहा हूं आपको, इसलिए इंग्लिश वाला वर्ड भी यूज कर रहा हूं कि सुनने में कठिनाई ना हो किसी को, ठीक है। तो हम लोगों ने शिल्पों की बात करी, फिर आंतरिक और बाह्य व्यापार की बात की, ठीक है, परिवहन के बारे में। इसी में ना इंफॉर्मेशन बढ़ते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं से, जैसे कहीं बैलगाड़ी के चक्कों का प्रमाण मिला है, कहीं इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला, ऐसे करके ना इंफॉर्मेशन बढ़ते चले जाते हैं, संदर्भ यही होता है हमारा। ऐसे ही जो साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर सोसाइटी के बारे में भी एक अनुमान लगाया जाता है, हड़प्पाई समाज। पर जब हम समाज पढ़ते हैं किसी भी काल का, तो हम क्या क्या ध्यान रखते हैं उसमें, हम अलग अलग वर्गों के बारे में, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में, भारतीय समाज की बात करें तो हम दास प्रथा के बारे में, छुआछूत के बारे में, ये सब सामाजिक जीवन की एक विशेषताएं रही हैं, कुरूतियां भी हैं, विशेषताएं भी कह लीजिए, अब समाज का पार्ट रहे, हिस्सा रहे। हड़प्पा में था या नहीं, वर्ग तो थे, भेदभाव भी रहा होगा, पर हम कह नहीं सकते किस रूप में रहा होगा। देखिए आप जरा समाज के बारे में, जैसे ये बताया आपको अर्थव्यवस्था के बारे में, वैसे समाज के बारे में कुछ पॉइंट लिख लें आप, कि समाज में किन तत्वों को लेंगे आप। लेकिन विभिन्न वर्गों, समाज में लिखें आप विभिन्न वर्गों कौमा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, दास प्रथा, इसी में लिखे महिलाओं की दशा, आवासीय संरचना, कौमा खान पान, कौमा पहनावा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास या धार्मिक गतिविधियां, भाषा लिपि इत्यादि, ठीक है। किसी भी काल की समाज की जब बात करेंगे, इनमें से ही कुछ कुछ बातें जो जो महत्वपूर्ण होती हैं, वो हड़प्पाई समाज भी पढ़ेंगे तो हम इनमें सारी बातों को देखेंगे। अब जैसे हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा बहुत सबने सुना ही होगा, एक आइडिया मैं दूं आपको। जैसे मान लो ये शहर है, सपोज दैट पूरा का पूरा ये एरिया है, 2-4 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो क्या देखा गया, पश्चिम की तरफ ऊंचाई पर, पश्चिम की तरफ ऊंचाई पर बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं और चारों तरफ से उसकी किलेबंदी की गई है, दुर्गीकरण किया गया है। और फिर पूर्व की तरफ पूरा का पूरा शहर जो है, मतलब ऐसे करके चौकोर चेसबोर्ड पैटर्न पे बना हुआ है, इमारतें बनी हुई हैं ऐसे या ऐसे करके पूरा एकदम कतार में। तो एक तरफ थोड़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फिर एक तरफ बहुत प्लांड वे में इमारतें हैं, ठीक है। ऐसे भी देखोगे आप बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो थोड़े कीमती हैं, कम मिलते हैं, है ना। तो साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि समाज में कई सारे वर्ग रहे होंगे, और साक्ष्यों से यह भी लगता है कि इन वर्गों में भी किसी न किसी रूप में भेदभाव, सामाजिक भेदभाव तो साफ साफ दिखते हैं, बनावट से दिखते हैं। जैसे हाथी दांत की बहुत कम वस्तुएं मिल रही हैं, सोना चांदी की बहुत कम वस्तुएं हैं, पत्थर की बहुत कम मूर्तियां मिल रही हैं, ठीक है, शायद बहुत महंगा आर्ट रहा हो उस समय, कला रहा हो, तो वो सब बताता है कि किसी न किसी रूप में समाज में
पर हम कह नहीं सकते वो क्या रूप रहा होगा उसका। तो अब चूंकि हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़ी गई तो हम वर्ण, जाति, छुआछूत, दास प्रथा इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हम। ये तो वैदिक काल से बातचीत शुरू होगी इसके बारे में, ठीक है। तो अब लिखो हड़प्पाई समाज पे, एक पहला पॉइंट लिख लो आप, जरा लिखो आप समाज में विविध वर्गों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है, उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं या जानकारी मिलती है। जैसे जैसे शासक वर्ग कौमा निचले शहर में रहने वाले लोग, निचले शहर लोअर टाउन कहते थे इसको, में रहने वाले लोग, व्यापारी, शिल्पी, श्रमिक, किसान इत्यादि, ठीक है। लिपिक वगैरह भी, जब लिपियां लिपि है तो अभी लिखने वाले लोग भी रहे होंगे, इन सब वर्ग समाज में हैं। खेती है तो किसान भी रहे ही होंगे, मतलब ठीक है। अगला पॉइंट लिखो इसी में, साक्ष्यों से सामाजिक भेदभाव के भी कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे मकानों के बनावट के आधार पर शासक एवं शासित का भेद, शासक एवं शासित का भेद मकानों के बनावट के आधार पर, शासित जिन पे शासन हो रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं फिर छोटी छोटी मकान बने हुए हैं, मतलब है ना, तो बट एक अंतर ऐसा रहा होगा, है ना। हड़प्पा में बहुत छोटे छोटे कमरे मिले हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह होते हैं जहां गरीब लोगों का, श्रमिकों का निवास, तो माना जाता है कि हड़प्पा से श्रमिकों के रहने वाली छोटी छोटी मतलब मकान भी मिल रहे हैं, है ना। इसे में लिखने कौमा लेकर के आप देखिए, कीमती धातुओं एवं कुछ अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी समाज में वर्गीय विभाजन का अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी। जैसे पत्थर की मूर्तियां किसी के पास हैं, हाथी दांत हैं, आभूषण हैं कीमती, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको। वो सब आगे भी चर्चा भी दूसरे दूसरे खंड में आ भी जाएंगे एग्जाम्पल आपके। तो अलग अलग वर्ग हैं समाज में, कह सकते हैं हम, समाज में विभाजन किसी न किसी रूप में है कह सकते हैं हम, और फैलना चाहे तो कह देते हैं जाति प्रथा वर्ण, सब दावे से नहीं कह सकते था नहीं था, बट लिखने की जरूरत नहीं है इन सबको, जो है हम उसी की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे हमने जो ढांचा बताया ना आपको समाज के बारे में, भाषा लिपि जैसे क्या रही होगी, पर लिपि के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हमें, हम कह नहीं सकते हम, जो हम बात कर रहे हैं ये भाषा होगी, जो लिखते हैं वो लिपि हो गई, ठीक है, ये भाषा और ये लिपि, तो लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, तो ऑब्वियस बोलते भी लोग होंगे जब साक्ष्य मिलते हैं तो, है ना। कौन सी भाषा रही होगी, और लिपि का नाम वैसे दिया गया बट पढ़ा नहीं जा सका उसे अभी तक, है ना, ठीक है। ऐसे करके ना जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, हर पॉइंट्स पे कोई एक दो बिंदु और काम काम के एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं।
जारी रहेगी अगले क्लास में भी, ठीक है? तो अभी इस पे है, अभी पूरा लगेगा टाइम इस पे आपको, थोड़ा और 1.5 घंटे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसमें भी, और हड़प्पा भी, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना? तो अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो नियम पता है ना, आप क्लास नोट्स अपना एंशिएंट हिस्ट्री का रिविजन करके आइएगा नंबर एक, और पढ़ सकते हैं आप आगे, जैसे छठी वाली किताब तो पढ़ सकते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छी किताब है वो, सरल किताब है वो, है ना? तो उसको पढ़ के भी जितना आगे आ सकते, जैसे हड़प्पा पूरा पढ़ लिया तो उससे आगे भी रीडिंग कर ली थोड़ी बहुत, है ना? एक आधा चैप्टर एडवांस में पढ़ लिया, थोड़ी जानकारी बनी रहेगी, ठीक है? जो मैं सिस्टम बना रहा हूं ना, बता रहा हूं, जिनका विषय वगैरह भी है ना, बस थोड़ा उनको और फैलना है, सिस्टम यही होता है एग्जाम का, बस थोड़ा फैलना होता है, और हिस्ट्री में ऑप्शनल में क्या, थोड़े डिबेट वाले पहलू को पकड़ना होता है, जीएस में और ऑप्शनल में यूपीएससी अंतर इतना ही करती है, थोड़ा विस्तार कहीं कहीं पे और थोड़ा डिबेट, उसको चिन्हित कर लेना, हाँ यहां डिबेट है तो उसको पढ़ लिया जाता है बस। वो तो अलग छोड़ो ना, तुम अभी इतनी बात बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है? चलिए फिर, है ना? आज हम लोगों ने बहुत सिंपल है, नौपाषाण काल और हड़प्पा पे हमने बात ठीक ठाक कर ली है, बाकी बात हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।